प्राणनाथ प्यारे की, श्री सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। मेरे पीयू के
लेकिन एक बूंध न पाया, रस न भी वचन किन एक बूंध न पाया, रस न भी वचन ब्रह्मांड धनियों देखिया, जो कहा वे त्रैगुण कहा वे त्रैगुण वाणी मेरे पीयू के न्यारी जो पाड़ी मेरे पीयो की न्यारी जो संसार जब ए सुख अंग आवही तब छूट जाए विकार, जब ए सुख अंग में आवही तब छूट जाए विकार, आयो आनंद अखंड घर को आयो आनंद अखंड घर को श्री अक्षरातीत भरता, श्री अक्षरातीत भरता अक्षरातीत भरता वाणी मेरे पीयू के न्यारी जो संसार, निराकार के पार ते निराकार के पार ते तीन पार के भी पार पार के भी पार तीन पार के भी पार तीन पार के भी पार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। ऐसे में ब्याह हुआ खटपट नित होई, श्री देवचंद्र जी हरदास जी की सेवा करत है सोई, सेवा करत है सोई, रहे सोहबत हरदास जी की दोए पहर रात लगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्राणधार सुंदर साथ जी एवं धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, कल की चर्चा में हमने सुना कि किस तरह से अपने प्रियतम परब्रह्म की खोज में श्री देवचंद्र जी घर से निकल चुके हैं और किस तरह से विभिन्न संप्रदायों के बीच में जाते हैं और अलग अलग संप्रदायों में उनको कहाँ तक का ज्ञान हासिल होता है, कैसी रहनी उन्हें देखने को मिलती है और उसके बाद अंत में श्री हरिदास जी जो कि राधा वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे और कृष्ण जी की भक्ति किया करते थे उनके पास पहुँचे
उनके पास पहुंचने के बाद कैसे देवचंद्र जी के माता पिता ने भोजनगर आकर के उन पर माया में वापस चलने का, माया में फंसने का दबाव डाला। लेकिन देवचंद्र जी किस तरह से अपनी आध्यात्मिक राह पर डटे रहे, चलते रहे, और कैसे उनको दीक्षा मंत्र हासिल हुआ, और उसके बाद किस तरह से श्री देवचंद्र जी का विवाह हुआ, इसका वर्णन सुना था हमने कल। अब आगे महामती श्री लालदास जी श्री देवचंद्र जी के विवाह होने के पश्चात की उनकी दिनचर्या के विषय में बताते हुए कह रहे हैं कि रहे सोहबत हरिदास जी की दोए प्रहर रात लगे। विवाह तो हुआ है उनका, लेकिन विवाह होने के बाद भी पहले की जो उनकी दैनिक क्रिया थी, जो दिनचर्या थी, उसमें कोई कमी नहीं आई है। हरिदास जी के पास दो प्रहर रात तक, अर्थात रात के 12 बजे तक श्री देवचंद्र जी रहते हैं। हरिदास जी के घर में ही जाना और दिन भर, पूरे दिन अपने गुरु की सेवा करना, जहाँ तक हो सके कृष्ण जी की सेवा का जो भी अवसर प्राप्त होता है उस अवसर का लाभ उठाना, और फिर उस घर का सारा काम करके, हरिदास जी के घर का सारा कार्य करके पूरी दिनचर्या में संलग्न होकर रात के 12 बजे अपने घर आते हैं, और फिर केवल एक प्रहर अपने घर में रहते हैं। 3 बजे तक अपने घर में रहते हैं, और जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त होने वाली होती है, ब्रह्म मुहूर्त से भी पहले उठ करके पुनः अपने गुरु के घर पहुंच जाते हैं। अब सोचिए कि ऐसी अवस्था में उनके पास मायावी विकार वैसे नहीं आ सकते, क्योंकि उनके पास समय ही नहीं है। विवाह होने के बाद भी उनके लक्ष्य में भी कोई भेद नहीं है, और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो प्रयास कर रहे थे उस प्रयास में भी कोई कमी नहीं है। अब पूरा दिन उनका हरिदास जी के घर में गुजरता है। हरिदास जी के घर में कभी कीर्तन होता है, कीर्तन मतलब कृष्ण जी के भजन इत्यादि किया करते हैं। कभी हरिदास जी कृष्ण जी की लीलाओं की चर्चा किया करते हैं और उसको अत्यंत ध्यान से सुनते हैं। रात को घर पहुँचे, अगले दिन फिर से 3 बजे वापस हरिदास जी के घर में, यही दिनचर्या उनकी चलती आ रही थी। लेकिन ये बात हरिदास जी को भी मालूम नहीं थी कि देवचंद्र जी रात्रि के 3 बजे ही मेरे घर आ जाते हैं। अब देवचंद्र जी पहुंचते तो क्या करते, अब जगा नहीं सकते, गुरु सो रहे हैं उनको जगा नहीं सकते, तो वो सोचते थे कि मैं अपने इष्ट की परिक्रमा कर लूँ। अब मंदिर अलग से तो नहीं था, घर में ही पधराया हुआ था बाल मुकुंद जी और बांके बिहारी जी को, तो अब उनके इष्ट आराध्य की परिक्रमा करनी हो तो संपूर्ण घर की परिक्रमा आवश्यक थी। देवचंद्र जी आते हैं रात के 3 बजे से लेकर के जब तक कोई घर का जग नहीं जाता, जब तक उजाला नहीं हो जाता, तब तक प्रदक्षिणा किया करते हैं। एक दिन रात्रि को हरिदास जी की नींद अचानक खुल गई, हो सकता है लघु शंका के लिए उठे हों। उठ करके झरोखे पर आकर के देखा कि कोई व्यक्ति घर के चारों तरफ घूम रहा है। अब अचानक रात को कोई व्यक्ति आपके घर के चारों तरफ घूमते हुए दिखेगा तो आप सोचेंगे कि हो सकता है कोई चोर उचक्का है, रेकी कर रहा है, या चोरी करने के लिए कोई जगह ढूंढ रहा है, अवसर ढूंढ रहा है। तो हरिदास जी ने आवाज़ लगाई कि कौन है वहाँ पर। देवचंद्र जी ने जवाब दिया कि गुरुदेव मैं हूँ। फिर उन्होंने पूछा कि इतनी रात को क्यों आए। अब देवचंद्र जी ये नहीं कह रहे कि गुरु जी आपको शायद पता नहीं है, मैं तो रोज़ आकर के परिक्रमा करता हूँ, रोज़ भक्ति करता हूँ, मैं तो रोज़ रात के 3 बजे उठता हूँ, ऐसा नहीं कह रहे। उन्होंने कहा कि गुरुदेव मुझे लगा कि शायद प्रातःकाल हो चुकी है, सुबह हो चुका है, इसलिए मैं आया हूँ, शायद मुझे समय का भ्रम हुआ है।
श्री लालदास जी उस प्रसंग को बताते हुए कहते हैं, सेवा करे न जना वहीं, अपनी आत्म के कारण दिखावे नहीं काहू को, समझावे अपना मन। हमने कल भी सेवा के विषय में कुछ विशेष बातें सुनी थी कि जिस भाव से हम सेवा करते हैं, चाहे किसी भी भाव से करें, चाहे हम उसका वेतन पाने के लिए करें, चाहे उस सेवा के एवज में, उस सेवा के बदले में प्रशंसा पाने के लिए करें, चाहे राज्य का प्रेम पाने के लिए अथवा आत्मिक लाभ पाने के लिए करें, तीनों चीज़ें हमें मिलती है। ये बातें हमने कल सुनी थी। अब आज भी श्री लालदास जी इस प्रसंग के माध्यम से हम सभी सुंदर साथ को एक सिखापन देते हुए कहते हैं, सेवा करे न जना वहीं, अपनी आत्म के कारण। इसका तात्पर्य क्या है कि कल हमने जो तीन प्रकार की सेवा के विषय में सुना था, उन तीन प्रकार की सेवाओं में से अगर हम आत्मा के कारण सेवा कर रहे हैं, आत्मा की लाभ के लिए सेवा कर रहे हैं, तो उस सेवा को हमें जनाना नहीं चाहिए, हमें बताना नहीं चाहिए किसी को। क्योंकि अगर हम बता रहे हैं, अगर हम अपनी सेवा के विषय में जता रहे हैं, तो उससे लाभ कोई अलग मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो निष्फल अथवा व्यर्थ चला जाएगा, लेकिन कुछ कोई और लाभ मिलेगा। इसलिए श्री देवचंद्र जी चूँकि अपनी आत्मा के लिए सेवा करते थे, इसलिए उन्होंने बताई नहीं। कहते हैं, देखावे नहीं काहू को, समझावे अपना मन। लेकिन ऐसी जो स्थिति है वो अचानक अनायास ही प्राप्त नहीं होती है। ऐसी अवस्था कि हम सेवा करें भी और उस की हुई सेवा को किसी दूसरे को जताएं भी ना, ऐसी अवस्था अनायास ही नहीं बन जाती है। सामान्य रूप में प्रत्येक मनुष्य का स्वभाव होता है, एक उसकी मानसिकता होती है कि जो मैं करता हूँ उसका क्रेडिट, उसका उसकी जो प्रशंसा है वो। लेकिन कोई विरला ही ऐसा होता है जो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाता है। लेकिन इन सब चीज़ों से ऊपर उठने के लिए भी रास्ता इतना आसान नहीं है। श्री लालदास जी कहते हैं, दिखावे नहीं काहू को, समझावे अपना मन। मन को समझाना पड़ता है, नहीं तो मन क्या चाहेगा। मन चाहेगा कि कोई लोग हमारी प्रशंसा करें, लोग हमारे सेवा की वाहवाही करें। उस मन को समझाना पड़ता है कि नहीं, हम ये जो सेवा कर रहे हैं ये वाहवाही लूटने के लिए, किसी संसारिक व्यक्ति की नज़र में ऊंचा उठने के लिए अथवा उसके हृदय में जगह बनाने के लिए नहीं, बल्कि अपने हृदय में राज्य के लिए स्थान बनाने के लिए कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमें मन को, हमारे मन को समझानी पड़ती है, हमारे मन को आदेश देना पड़ता है। अब इसी तरह से एक दिन क्या हुआ कि हरिदास जी के घर में श्री देवचंद्र जी सेवा में सावधान होकर के बैठे थे कि कभी भी कोई अवसर आ सकता है, गुरुदेव कभी भी किसी सेवा के लिए बोल सकते हैं। और इतने में एक शख्स जिसको बिच्छू ने डंक मारा था, उसको लेकर के चार लोग पहुंचते हैं और हरिदास जी का नाम लेकर के आवाज़ लगाते हैं कि हरिदास जी कृपया बाहर आइए। हरिदास जी बाहर आते हैं, देखते हैं कि बिच्छू ने डंक मारा है। और बताया जाता है कि बिच्छू के काटने पर अथवा डंक मारने पर अत्यधिक पीड़ा होती है, जलन होती है, और वो भी निर्भर करता है कि कितने जहरीले बिच्छू ने काटा है अथवा किस उम्र के, किस अवस्था के बिच्छू ने काटा है। तो वो व्यक्ति तड़प रहा था दुखी होकर के। हरिदास जी बाहर आए, कोई मंत्र जो उन्होंने सिद्ध कर रखा था उस मंत्र को पढ़ करके उन्होंने मूछों पर हाथ फेरा, तो एक बार के मंत्र पढ़ने में उस व्यक्ति को थोड़ी सी शांति हुई, थोड़ा सुकून मिला। इस तरह से दूसरी बार जब हाथ फेरा तो वो सचेत हो गया, पहले तो मूर्छित अवस्था में था, सचेत हो गया और बैठ गया सचेत होकर के। तीसरी बार जब मंत्र पढ़ा और तीसरी बार मंत्र पढ़ के हाथ फेरा तो ऐसा लगा कि उसको कुछ हुआ ही नहीं था, बिल्कुल स्वस्थ हो गया। उसके बाद सब लोगों ने हरिदास जी के चरणों में प्रणाम किया
और उनकी प्रशंसा करते हुए, उनके इस सिद्धि की, उस चमत्कार की प्रशंसा करते हुए वहाँ से चले गए। उनके जाने के पश्चात हरिदास जी ने देवचंद्र जी को कहा कि देवचंद्र आप भी ये मंत्र सीख लो, हो सकता है भविष्य में कभी काम आ जाए। श्री देवचंद्र जी ने उनको बहुत सुंदर शब्दों में जवाब दिया कि गुरुदेव, आपने मुझे जो पहले मंत्र दिया था भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास, क्योंकि अब तक तो परब्रह्म के स्वरूप की पूर्ण पहचान नहीं है, उन्हीं को सब कुछ मान करके भक्ति कर रहे हैं, इसलिए श्री देवचंद्र जी ने कहा कि वो जो आपने मंत्र दिया था वो तो मुझे जन्म और मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाला है। और जन्म तथा मृत्यु की अवस्था में पीड़ा कितनी होती है, कहते हैं लाखों बिच्छुओं के एक साथ डंक मारने पर जितनी पीड़ा होती है उतनी ही पीड़ा माता के गर्भ में से बाहर निकलते हुए भी उस बालक को सहन करनी पड़ती है, और जब शरीर से प्राण निकलने वाले होते हैं तब भी वैसी ही पीड़ा सहन करनी पड़ती है। इसलिए शंकराचार्य जी भी एक प्रसंग में कहते हैं कि भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतौ पुनरायातः, इह संसारे खलु दुष्पारे कृपा अपारे पाहि मुरारे। कहते हैं कि हे मूढ़मति, मूढ़मति मतलब मूर्ख बुद्धि वाला, जीवों को प्राणियों को संबोधित करते हुए शंकराचार्य जी ने कहा कि तू गोविंद की, उस परमात्मा की भक्ति किया कर, क्योंकि अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, तुझे फिर से जन्म लेना पड़ेगा, जन्म लेगा तो फिर से मरना पड़ेगा, और जब जन्म लेगा तो माता की जठराग्नि में शयन करना पड़ेगा और जठराग्नि की पीड़ा को, उस ताप, उस तपिश को सहन करना पड़ेगा, इसीलिए तू परमात्मा की भक्ति किया कर। श्री देवचंद्र जी कहते हैं कि गुरुदेव आपने मुझे जो मंत्र दिया है वो तो जन्म मृत्यु के चक्र से, भवसागर से छुड़ाने वाला है, तो एक बिच्छू के काटने का जो मंत्र है वह मंत्र में लेकर के उस पहले वाले अत्यंत शक्तिशाली सामर्थ्यवान मंत्र का अपमान क्यों करूं? अब जब देवचंद्र जी के मुख से ऐसी बात सुनी, ऐसा उत्तर सुना उन्होंने, तो हरिदास जी ने कहा कि अगर कोई भी सामान्य व्यक्ति होता तो वह चमत्कार की ही इच्छा करता, उसको इस बात से लेना देना नहीं कि मुझे मेरी जो आध्यात्मिक मंजिल है, आध्यात्मिक लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति होगी या नहीं, परमात्मा मिलेंगे या नहीं, लेकिन जो एक तत्कालिक परिणाम दिख रहा है कि एक मंत्र हमने लिया, उसको कुछ दिन लगा करके सिद्धि प्राप्त कर ली, और सिद्धि प्राप्त करने के बाद चमत्कार दिखा सकते हैं हम, तो उस एक तात्कालिक और क्षणिक परिणाम को एक सामान्य व्यक्ति ग्रहण करना चाहता है, लेकिन जो भी साधु, जो भी महात्मा अध्यात्म की मंजिल में उच्च अवस्था में पहुँचे होते हैं वह हमेशा चमत्कार से नाता तोड़ते हैं, चमत्कार से मुँह मोड़ते हैं, उससे दूर रहते हैं। इसलिए वाणी का कथन है, साधु कहर कही करामात, ए दुनिया तित रांचे, दुनिया को ये पसंद है, दुनिया उस पर भीड़ जुटाती है जहाँ चमत्कार हो रहा होता है, इसलिए बोलचाल की भाषा में कहते हैं जहाँ चमत्कार है वहाँ नमस्कार है, चमत्कार को नमस्कार करने की प्रवृत्ति संपूर्ण जनमानस की है। वैसे तो योग दर्शन में भी अनेक प्रकार की सिद्धियों का वर्णन है, सिद्धियों को प्राप्त करने के तरीकों का भी वर्णन है, लेकिन उसी योग दर्शन के विभूति पाद में ही ये बात कही गई है कि अगर आप अध्यात्म की ऊंची मंजिल में पहुंचना चाहते हैं, ध्यान समाधि में परमात्मा को पा करके परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो ये जितनी भी एक योग की विभूतियां हैं, सिद्धियां हैं, वो आपके रास्ते में रुकावट है, बाधा है। इसलिए हम सब सुंदर साथ को भी चमत्कार के पीछे ना पड़ करके, उन करामात के पीछे ना रह करके, हमें हमारी आध्यात्मिक मंजिल, आध्यात्मिक लक्ष्य की तरफ ध्यान देना चाहिए। यह शिक्षा हमें इस प्रसंग से मिलती है। अब आगे उसी तरह से उनकी दिनचर्या चलती है जैसे पहले करते थे। रात को परिक्रमा लगाने की जो प्रवृत्ति थी उनकी 3 बजे आकर के, वो निरंतर चलती रहती है। और इतने में
एक दिन हरिदास जी फिर से श्री देवचंद्र जी को देख लेते हैं। तो उन्होंने सोचा कि एक बार तो चलो गलती हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये तो इनका रोज का कार्य है, और अगर इनके रोज का कार्य है तो फिर इसमें मुझे भी दोष लगेगा। उनको दोष क्यों लगेगा? हरिदास जी ने ऐसा इसीलिए सोचा कि मेरे आराध्य और इष्ट के साथ साथ में ये तो मेरी भी परिक्रमा कर रहे हैं, और कोई भी व्यक्ति जिसकी आराधना करता है उसकी बराबरी तो उसको स्वीकार नहीं होती ना। तो उन्होंने सोचा कि मैं देवचंद्र जी को बालमुकुंद जी की मूर्ति दे देता हूँ, ताकि वो अपने ही घर में उनकी सेवा कर सकें, उनको यहाँ आना ना पड़े और इस दोष का मैं भागीदार ना बनूं। उन्होंने सोचा कि मैं श्री देवचंद्र जी को बता देता हूँ। श्री देवचंद्र जी को कहा कि आप अपने घर में तैयारी कर लीजिए, क्योंकि वैसे तो हरिदास जी सेवा करते हैं, उनका एक सकारात्मक पक्ष ये है हरिदास जी का कि कृष्ण जी की सेवा अत्यंत भाव के साथ में, प्रेम के साथ में करते हैं। लेकिन नकारात्मक पक्ष ये है कि कर्मकांड में बहुत हद तक डूबे हुए हैं, और ये सिर्फ उनकी बात नहीं है, हरिदास जी की बात नहीं है, आज भी वर्तमान में भी आप देखें पुष्टि मार्ग के जो भी अनुयायी होते हैं, वल्लभाचार्य अथवा राधा वल्लभ मार्ग के जितने भी अनुयायी हैं, जब उनको दीक्षा दी जाती है तो ये मान्यता है उनमें कि आज के दिन हमारे घर में कृष्ण जी का जन्म हुआ है। जिस दिन उन्होंने दीक्षा ली उस दिन जन्म हुआ है, और जन्म होने के बाद में अब जो जिसने जन्म लिया है शालिग्राम पधराते हैं और कहते हैं कि ये हमारे लड्डू गोपाल हैं। लड्डू गोपाल मतलब कृष्ण जी हैं और छोटे हैं, बच्चे हैं हमारे, और फिर स्वयं को यशोदा मान करके अथवा उस लड्डू गोपाल की माता मान करके उसकी सेवा करते हैं, कि जैसे अपने बच्चे को किस तरह से सेवा की जाती है वैसे। लेकिन उनमें कर्मकांड इतना है कि जैसे मंदिर में पूजा करते हुए हमें किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए, ऐसा कर्मकांड सिखाया जाता है कि अगर लघु संघ का भी करके आए हों तो नहाना पड़ेगा, तो इस हिसाब से तो दिन में 5-5 बार 7-7 बार नहाना पड़ता है कई बार व्यक्ति को। और उसके बाद नियम यह है कि भोग में आपको काजू और बादाम और मिश्री ही लगानी है, इसके अलावा और कुछ लगा नहीं सकते। अब कोई गरीब होगा वो कैसे लगाएगा? ऐसे बहुत सारे कर्मकांड हैं। तो हरिदास जी ने भी, क्योंकि वो भी उसी मार्ग के अनुयायी थे, उस कर्मकांड से पीछा कैसे छूट सकता था। एक सकारात्मक पक्ष है कि कृष्ण जी की वो भक्ति भाव से, अन्य लोगों की अपेक्षा उनमें भाव की अधिकता है, लेकिन कर्मकांड तो उनके अंदर भी है। उन्होंने देवचंद्र जी को कहा एक निश्चित दिन तय करके, एक मुहूर्त निकाल करके कि आप अपने घर में तैयारी कर लीजिए, अपने घर की साफ सफाई कर लीजिए, चूल्हा चौका जो भी करना है कर लीजिए, और निश्चित दिन हम आपके घर में कृष्ण जी को पधराएंगे, बालमुकुंद जी को। अब जो दिन तय हुआ था, जो दिन निश्चित किया गया था, उस दिन उधर देवचंद्र जी ने अपने घर में तैयारी कर ली, और तैयारी करके निकले कि मैं श्री कृष्ण जी को अपने घर में पधराऊंगा। लेकिन हरिदास जी जैसे ही उठते हैं अपने घर में, मंदिर में जा कर के देखते हैं अपने इष्ट को प्रणाम करने के लिए, आराध्य को प्रणाम करने के लिए, तो वहाँ बालमुकुंद जी नहीं होते हैं। अब बालमुकुंद जी अंतर्ध्यान हो गए, देवचंद्र जी भी आए, देवचंद्र जी ने भी आके देखा नहीं है, हर जगह पे कोने कोने में ढूंढा कहीं भी नहीं मिला। घर वालों से पूछा कि रात को कोई आया था, उन्होंने कहा कि नहीं, हमने तो दरवाज़ा बंद किया हुआ था, कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता घर से बाहर, तो गए कहाँ पर। हरिदास जी ये सोच रहे हैं कि अब देवचंद्र जी ये ना सोचें कि मुझे देने की इच्छा नहीं थी इसलिए मैंने मूर्ति छिपा दी, ये उनके अंदर भावना है, उनके अंदर ये बात, ये जो डर है घर कर गई है। कहीं पर भी जब प्राप्त नहीं हुआ, भोजन का समय हो चुका है दोपहर का, किसी ने भी भोजन नहीं किया, हरिदास जी ने प्रण ले लिया कि जब तक भगवान जी नहीं मिलते तब तक भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। अब जब घर का मूल जो व्यक्ति है वो भोजन ना करे तो दूसरे लोग कैसे करें, तो सब लोगों ने एकादशी रखी। एकादशी का मतलब पौराणिकों में एकादशी के दिन उपवास रखा जाता है, भोजन नहीं करते हैं व्रत के नाम पे, तो
तो जब उस दिन किसी ने भी भोजन नहीं किया उसको श्री लालदास जी ने एकादशी की संज्ञा दी। अब देवचंद्र जी कहते हैं गुरु जी को सांत्वना देते हुए कि गुरुदेव आप तो मुझे वस्तु दे चुके थे, मूर्ति हमें दे चुके थे, वचन से तो भाव से तो आपने दे ही दिया था, हो सकता है कि मेरे अंदर ही अभी कुछ कमी हो जिससे कि भगवान जी मेरे पास आने की इच्छा न रख रहे हो, इसलिए वो गायब हो गए। लेकिन हरिदास जी इस बात से संतुष्ट नहीं हुए, वो खोज रहे हैं। अब देवचंद्र जी भी अपने निश्चित समय पर घर आ गए रात को, लेकिन हरिदास जी एक तो दिन भर के भूखे हैं, भोजन नहीं किया उन्होंने, और रात को कृष्ण जी के बारे में चिंतन करते करते उनकी आंख लग गई, थोड़ी सी झपकी लगी और इतने में उनको बालमुकुंद जी ने साक्षात दर्शन दिया। बालमुकुंद जी ने जब दर्शन दिया तो हरिदास जी पूछते हैं कि प्रभु जी आप कहाँ गए थे, हमने आपको कितना खोजा, आप क्यों गए थे? उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो वहीं पर बैठे थे, बस हमने थोड़ा सा पर्दा डाल दिया था। हरिदास जी ने कहा कि फिर आपने दर्शन क्यों नहीं दिया? तो बालमुकुंद जी कहते हैं कि आप हमें देवचंद्र जी को देने वाले थे और आपको उनके स्वरूप की पहचान नहीं है। कहते हैं तुमको इन स्वरूप की भई नहीं पहचान, न सह सकूं मैं सेवा इनकी, न सह सकूं एहसान। आपको देवचंद्र जी के स्वरूप की पहचान नहीं है, मैं तो इनकी सेवा में इनका जो एहसान है वो सहन नहीं कर सकता। अब हरिदास जी ने कहा कि फिर अगर देवचंद्र जी दुखी हो गए आपके ना देने से, पहले ही मेरे अंदर ये बात डर ये डर घर कर गई है कि शायद देवचंद्र जी ये ना सोचे कि मुझे देने की इच्छा नहीं थी, और अगर मैं ये ऐसी बात कहता हूँ कि भगवान जी ने मुझे ऐसा आदेश दिया तो देवचंद्र जी सच में सोचेंगे कि मैं देना नहीं चाहता था, तो अब उनके दुखी होने की अवस्था में मैं क्या करूँ? तो बालमुकुंद जी ने कहा कि मेरे जगह पर आप बांके बिहारी जी की बागा अथवा वस्त्र की सेवा दे दीजिए। तो उन्होंने फिर से पूछा हरिदास जी ने कि अच्छा अब बताइए कि आप कहाँ पर हैं? बालमुकुंद जी ने कहा कि मैं तो वहीं पर हूँ, मैं कहीं गया ही नहीं था। और इतनी बात करते करते इनकी आँख खुल गई हरिदास जी की, जाकर के देखते हैं तो कृष्ण जी वहीं पर हैं। अब इस प्रसंग से अलग अलग प्रकार के प्रश्न अथवा अलग अलग प्रकार की शंकाएं हमारे मन में होती है। पहला प्रश्न कि क्या इस प्रसंग के हिसाब से हमें मूर्ति पूजा की सार्थकता का पता चलता है, अथवा क्या मूर्ति पूजा सार्थक है, क्या मूर्ति पूजा के कारण हरिदास जी को दर्शन हुआ था? पहला प्रश्न, इसके उत्तर से हम शुरुआत करते हैं, फिर आगे अन्य प्रश्नों की अन्य शंकाओं का समाधान हम करते हैं। यदि मूर्ति की पूजा से हरिदास जी को दर्शन की प्राप्ति होनी होती अथवा हुई होती तो इस दिन से पहले भी, मतलब इस दर्शन से पहले भी अनेक वर्षों से हरिदास जी उस मूर्ति की पूजा सेवा परिक्रमा करते आए लेकिन उनको कभी दर्शन नहीं हुआ। इसके बाद भी कर रहे हैं हरिदास जी, करेंगे आगे, लेकिन फिर कभी दर्शन नहीं हुआ। देवचंद्र जी ने भी स्वयं 11 वर्ष की अवस्था से लेकर के अपने गांव में पिंगल श्याम की मूर्ति की उपासना की थी, उनकी भक्ति उनकी परिक्रमा पूजा की थी, लेकिन उनको भी कभी दर्शन नहीं हुआ। तो प्रश्न होता है कि दर्शन होने का कारण क्या है? दर्शन होने के दो कारण है। प्रमुख कारण ये कि बालमुकुंद जी, जिनको ये पता है, बालमुकुंद जी का मतलब ब्रज लीला में जो कृष्ण जी अखंड है, ब्रज लीला के कृष्ण जी के स्वरूप को बालमुकुंद कहा जाता है, उनको इतना पता है, पूरा ज्ञान नहीं है कि उनके अंदर श्यामा जी की आत्मा है, लेकिन इतना ज्ञान ये है कि मुझसे ऊपर की शक्ति है, वो शक्ति है जिन्होंने रास मंडल में राधिका के रूप में लीला की थी और जिनकी कृपा से मैं अखंड हुआ हूँ। तो ये जानते हुए वो देवचंद्र जी से सेवा नहीं करवा सकते थे, इसलिए
उन्होंने दर्शन दिया और दर्शन दे करके मना किया कि हरिदास जी आप मेरी सेवा देवचंद्र जी को नहीं देना। पहला कारण है देवचंद्र जी की सेवा स्वीकार न कर पाना, जो कि इस चौपाई से स्पष्ट है। दूसरा कारण ये है कि मूर्ति पूजा की वजह से उनको दर्शन नहीं हुआ। दर्शन कैसे हुआ उसके पीछे का जब कारण हम देखते हैं, शुरुआत से अगर देखें, पहली बात तो आज से लगभग 400 वर्ष पहले आज की तरह तमोगुण तो था नहीं। हरिदास जी वैसे भी साधु सात्विक सतोगुणी प्रवृत्ति के थे। दूसरा, उस दिन भोजन भी नहीं किया था, पूरे दिन वो भूखे रहे थे, तो एक तरह से शरीर में सात्विकता थी। तीसरा, सुबह से लेकर के शाम तक केवल कृष्ण जी का ही चिंतन वो करते आ रहे थे, और फिर जिस अवस्था में उनको दर्शन हुआ, तंद्रा की अवस्था में हमारा जो अवचेतन मन है जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, वो मन अनायास ही ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जैसी अवस्था ध्यान और समाधि में होती है। तो उस अवस्था में उनको बालमुकुंद जी ने दर्शन दिया, मूर्ति पूजा के कारण दर्शन दिया, इसका कहीं पर भी प्रमाण नहीं है। तो ये था पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये था कि देवचंद्र जी इतने दिनों से परिक्रमा जो कर रहे थे, तो बालमुकुंद जी की भी परिक्रमा हो रही थी, लेकिन इतने दिनों से उन्होंने मना क्यों नहीं किया, आज जाकर के क्यों मना किया? पहले भी तो देवचंद्र जी परिक्रमा कर रहे थे, तब भी उनको मना करना चाहिए। तो इसके समाधान में ये कहा जा सकता है कि पहले जब परिक्रमा कर रहे थे तो साथ में बांके बिहारी जी भी थे, अर्थात बांके बिहारी जी की सेवा की वो परिक्रमा करते थे। जैसे उदाहरण के लिए कोई छोटा बालक, मान लीजिए ज्ञानपीठ में इतने सारे विद्यार्थी हैं, कोई छोटा बालक भी स्वामी जी के साथ में कहीं पर जाएंगे कार्यक्रम में, किसी कार्यक्रम में, तो जो भी सुंदर साथ आएंगे तो स्वामी जी को झुक करके प्रणाम करेंगे, और साथ साथ में जो बालक गया होगा उसको भी उसी अवस्था में प्रणाम करेंगे। तो ऐसी अवस्था में उस बालक को इतना शर्म महसूस नहीं होगी कि कोई सुंदर साथ मुझे ऐसे झुक करके प्रणाम कर रहे हैं, वो सोचेंगे कि स्वामी जी साथ में उनको प्रणाम किया जा रहा है। लेकिन जब वही अकेले अगर कोई उतना झुक करके उस छोटे बालक को प्रणाम करेंगे तो उनको संकोच अनुभव होगा कि ये मेरे से उम्र में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, मुझे इनका इस तरह से प्रणाम स्वीकार करने का नैतिक अधिकार नहीं है, तो इसलिए वो भी फिर वापस उनके चरण को छुएगा। इसी तरह से बालमुकुंद जी की अकेले परिक्रमा नहीं हो रही थी, बांके बिहारी जी की भी परिक्रमा हो रही थी, तो तब तक तो मामला ठीक था। लेकिन अब चूंकि अगर हरिदास जी दे देते बालमुकुंद जी को, तो बालमुकुंद जी की अकेले की सेवा होती, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, तो वैसी ही घटना घटित होती। इसीलिए बालमुकुंद जी ने दर्शन दे करके उनको मना किया कि आप मेरी सेवा उनको ना दें। अब अगले दिन देवचंद्र जी सोचते हैं कि पता नहीं बालमुकुंद जी मिले हैं या नहीं, चिंतन करते करते जा रहे होते हैं। अब हरिदास जी उधर ये विचार करते हैं कि देखिए, जिनकी सेवा मैं करता हूँ, वो भगवान भी जिनकी सेवा स्वीकार नहीं कर सकते, और मैंने स्वयं उनसे अपनी सेवा कराई है। कितनी बार उन्होंने मेरी परिक्रमा की है, कितनी बार मेरे घर में शायद चौकी दिया होगा, चौकी देना शायद समझते होंगे सब लोग, पुराने जमाने में जो मिट्टी के घर होते थे उसको मिट्टी और गोबर का मिश्रण करके लेप किया जाता था। तो कितनी बार मेरे घर में उन्होंने चूल्हे चौके का काम किया होगा, कितनी बार मेरे वस्त्र धोए होंगे, कितनी बार उन्होंने मेरे पैर छुए हैं, तो मेरे लिए तो कोई स्थान ही नहीं बचता, मेरे लिए तो शायद क्षमा भी मिले या नहीं। अगर देवचंद्र जी मुझे सामने से क्षमा कर देते हैं तो मैं इस पाप से छूट जाऊंगा, बच जाऊंगा। तो हरिदास जी ने ये सोच करके वो अपने घर से निकले, एक तरफ से देवचंद्र जी जा रहे हैं, दूसरे तरफ से हरिदास जी आ रहे हैं। रास्ते में ही दोनों की मुलाकात, दोनों की भेंट हुई, और दोनों अब देवचंद्र जी को देखते ही हरिदास जी देवचंद्र जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। अब उन्होंने सोचा कि गुरुदेव को क्या हो गया है,
ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्होंने झट से उनको पकड़ करके, उनके कंधे से पकड़ करके उठाया और कहा कि गुरुदेव ऐसा क्यों कर रहे हैं? हरिदास जी माफ़ी मांगते हैं तो देवचंद्र जी ने कहा कि इसमें माफ़ी मांगने की तो कोई बात ही नहीं है। हरिदास जी ने सोचा कि अच्छा चलो मुझे क्षमा प्राप्ति हुई, मुझे माफ़ी मिल गई। अब वहाँ से बात करते करते पूरी बात उन्होंने बताया कि किस तरह से आपकी कृपा से मुझे भगवान जी के दर्शन हुए, जिनकी सेवा में वर्षों से कर रहा था, और उन्होंने जो दिशा निर्देश दिए थे वो निर्देश भी सुनाया और कहा कि आपको बांके बिहारी जी के बागा वस्त्र देने का आदेश हुआ है, तो आप उनको ले जाइए और अपने घर में सेवा कीजिए। अब दिए गए निर्देश के अनुसार बांके बिहारी जी के जामा अथवा उनके वस्त्रों को लेकर के श्री देवचंद्र जी जाते हैं अपने घर में और अपने घर में पधराते हैं, और पधरा करके जैसी सेवा उन्होंने पहले हरिदास जी से देखी थी, सीखी थी, उसमें अपना भाव मिला करके, क्योंकि भाव तो सीखने वाली चीज़ नहीं होती है, तरीका सीखा जा सकता है, भावना हमारे अंदर से आती है, तो तरीका उन्होंने सीख रखा था, भाव उनका स्वयं का। अब बांके बिहारी जी की सेवा करने लग गए, स्वयं जल भर के लेके आते हैं कुएं से, अपने घर में चूल्हा चौका स्वयं करते हैं, कृष्ण जी के लिए भोग भी स्वयं बनाते हैं, भोजन स्वयं बनाते हैं, भोग लगाते हैं, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अपना सारा कार्य वो करते हैं, और वो भी कैसे कहते हैं, रसोई करें विवेक सो सेवा को सब साज, विवेक पूर्वक। विवेक पूर्वक का तात्पर्य यह है कि सेवा के लिए हमें कहने की आवश्यकता नहीं होती है, अगर किसी के कहने पर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उसको सेवा नहीं कहते। जैसा कि हमने कल की चर्चा में सुना था कि सेवा कीजे पहचान चित धर, सेवा पहचान से होती है, और वाणी का स्पष्ट कथन है कि मुख थी सेवा तूने सु कहूँ, जे तू अंतर आड़ो टाल, अनेक विध सेवा तणी तूने उपज से तत्काल। सुंदर साथ कई बार क्या होता है, सिर्फ ज्ञानपीठ में ही नहीं, अन्य संस्थाओं में भी, धार्मिक संस्थाओं में भी जब कभी पहुँचते हैं या फिर किसी भी संस्था द्वारा आयोजित किसी कार्यक्रम में पहुँचते हैं, तो पहुँचने के बाद अधिकांश सुंदर साथ का सबसे पहला वाक्य ये होता है कि मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताना। अब जिसको वो पूछ रहे हैं कि मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताना, उसको थोड़ी पता है कि ये किसके लायक है। जो भी व्यवस्था में है उस संस्था में अथवा उस कार्यक्रम में, उसको पता नहीं होता है कि ये किसके लायक है। अब कोई व्यक्ति जिसने कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया होगा उदाहरण के लिए, वो व्यक्ति किसी कार्यक्रम में जाएगा और ये कहेगा कि मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताना, अब वो जिसको पूछ रहे हैं वो कहेगा कि रसोई घर में रोटी बनाने के लिए जाना है, वो भी सेवा है, रोटी बनाना भी सेवा है, ऐसा नहीं कि वो कोई छोटी सेवा कोई बड़ी सेवा। लेकिन कंप्यूटर में काम करने वाला अथवा कंप्यूटर का जानकार व्यक्ति अगर उसी विभाग से संबंधित सेवा वो अपने आप संभाल लेता है तो वो वास्तविक सेवा है, बताने के बाद जो की गई सेवा वास्तविक सेवा नहीं है। इसलिए कहा मुख थी सेवा तूने सु कहूँ जो तू अंतर आड़ो टाल। ऐसी अवस्था कब आती है तो महामती जी कह रहे हैं अंतर आड़ो टाल, जो अंतर है, अंतर का मतलब जो भेद है, जो बीच की दूरी है, अज्ञानता का जो पर्दा है, वो पर्दा वो दूरी वो भेद समाप्त होने के बाद ही ऐसी अवस्था आती है कि सेवा के लिए कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और उसको ही वास्तव में सेवा कहते हैं। अगर कोई कोई बता रहा है कि आप ये कर दीजिए तो ये कार्य हुआ, सेवा नहीं, क्योंकि सेवा बिना बताए स्वयं की पहचान से होती है, किसी दूसरे के द्वारा पहचान करवा करवा करके कि ये सेवा करनी है, ये सेवा करनी है, कहने के लिए शब्द तो सेवा का प्रयोग किया जा रहा है लेकिन उसमें भाव नहीं है। जिसके अंदर भाव है वह अपने आप ही बिना कहे जाकर के सेवा करेगा। अगर किसी की शारीरिक सामर्थ्य है, शारीरिक क्षमता है, मान लीजिए आप किसी संस्था में जाते हैं, वहाँ खेती का कार्य चल रहा है, कोई सब्जी अथवा बागवानी का कार्य चल रहा है, आप अगर शारीरिक रूप से सक्षम है खुदाई करने में,
नुलाई करने में, तो आप बिना कहे वो सेवा कीजिए, तब तो वो सेवा है। आप कंप्यूटर के विषय में जानते हैं, वहाँ पर उससे संबंधित टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई सेवा होगी, चाहे साहित्य के प्रकाशन का कार्य चल रहा है, करेक्शन का कार्य चल रहा है, तो वो सेवा आप कीजिए बिना कहे, सामने से जाकर के कहिए कि मैं ये सेवा कर सकता हूँ, कृपया आप मुझे ये सेवा दीजिए, तो वास्तव में ये सेवा है। माताएं जो आती हैं किसी भी संस्था में, यहाँ आती हैं चाहे कहीं पर भी जाती हैं, माताएं वैसे सामान्य रूप में भोजन बनाने में एक्सपर्ट होती हैं, तो जब भी सेवा के लिए आवश्यकता पड़े भोजन बनाने की, तो बिना कहे, यहाँ होता क्या है अमूमन कि वार्षिक उत्सव होता है, वार्षिक उत्सव में 1500-2000 की संख्या होती है भोजन करने वालों की, तो फिर खोज खोज करके नाम लिखना पड़ता है और बताना पड़ता है कि आप जा करके सेवा कीजिए। तो किसी के कहने पर की गई सेवा वास्तव में सेवा नहीं होती है। श्री देवचंद्र जी के विषय में यहाँ कह रहे हैं कि रसोई करे विवेक सो सेवा को सब साज, अपने विवेक से वो रसोई बनाते हैं। जैसी अवस्था है वैसे तो वो जो बागा वस्त्र है वो भी जड़ है, वो भोग ग्रहण करने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी उनका भाव है और उस भाव के आधार पर वो सोचते हैं कि चलो गर्मी की जो ऋतु होगी तो गर्मी में, क्योंकि ऋतु के हिसाब से खाना भी तो अलग अलग होता है, हमारा सिर्फ पहनना अलग नहीं होता है, हमारा भोजन भी ऋतु के हिसाब से परिवर्तित होता रहता है, तो भोजन भी ऋतु के हिसाब से बनाते हैं। उसके बाद जैसे हरिदास जी गर्मी में शीतलता के लिए व्यवस्था करते थे, ठंडे जल की, इत्र सुगंधित द्रव्यों की व्यवस्था करते थे, और सर्दियों में अंगीठी की व्यवस्था करते थे, वैसे व्यवस्था भी करते हैं। कृष्ण जी के लिए अपने आराध्य के लिए दाल, घी, शक्कर, खांड जिसको कहते हैं, उन सब की वो व्यवस्था करके रखते हैं। अब ऐसी सेवा का कार्य चलते चलते कुछ दिन बीत जाते हैं, तो एक दिन होता क्या है कि लीलबाई जो कि संसारिक रूप से श्री देवचंद्र जी की पत्नी हैं, उनको लोग ताना मारने लगते हैं। आस पड़ोस की जो महिलाएं हैं वो ताना मारने लगती हैं कि तुम कैसी पत्नी हो, क्योंकि तुम्हारे रहते हुए तुम्हारा पति अपने हाथ से चूल्हा चौका कर रहा है, अपने हाथ से वो पानी भर करके ला रहा है, घर की सफाई कर रहा है, तुम कैसी स्त्री हो। वैसे तो एक दृष्टि से, लौकिक व्यवहार की दृष्टि से देखा जाए तो कुछ हद तक, थोड़े हद तक ये बात सही है कि लीलबाई जी को सेवा करनी चाहिए या घर का काम करना चाहिए, लेकिन ये सोच करके लीलबाई जी को कोई कहे, चाहे लीलबाई जी हो, चाहे उनके जगह पर और कोई हो, चाहे आज से 400 वर्ष पहले, चाहे आज या आज के कुछ वर्षों बाद, सिर्फ ये सोच करके कि तुम स्त्री हो, तुम पत्नी हो, तुम्हें ये करना चाहिए, तो उस अवस्था में वो बात फिर गलत हो जाती है। और लोगों का क्या है, लोगों का काम तो कहना है, लोग हर अवस्था में आपको कहेंगे, आप चाहे कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाएं, मान लीजिए उदाहरण के लिए मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री हैं, कुछ लोगों की नज़र में वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की नज़र में उनसे बुरा इंसान ही कोई नहीं है। तो हर अवस्था में लोग परमात्मा को भी कहना नहीं छोड़ते हैं। एक गांव में एक कुम्हार रहता था और उसी गाँव में एक किसान था। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है तो वो प्रार्थना करता है कि भगवान बारिश ना हो, धूप निकले ताकि मेरे बर्तन जो है सूख सकें। किसान खेती करता है, उसको जल की आवश्यकता है, वो कहता है भगवान बारिश हो जाए। अब अगर बारिश हो तो कुम्हार गाली देगा कि भगवान तुमने मेरी एक नहीं सुनी, तुम मेरी इतनी बात भी नहीं मान सकते, और अगर धूप निकले वर्षा ना हो तो किसान गाली देगा कि भगवान तुम तो किसी की सुनते नहीं हो। तो लोग भगवान के लिए भी परमात्मा के लिए भी कहना नहीं छोड़ते हैं। एक गांव में पिता पुत्र रहा करते थे, उनके पास एक घोड़ा था, तो उनको शहर जाना था कुछ गांवों को पार करके, तो सोचा कि घोड़े में बैठ करके जाते हैं,
दोनों एक घोड़े पर सवार होकर के जा रहे थे। उस गांव में जो चौराहा था, चौराहा सब समझते हैं, जहाँ से चार रास्ते पार होते हैं, क्रॉस होते हैं, तो चौराहों में आजकल भी देखते हैं लोग, बूढ़े बुजुर्ग लोग बैठ करके बात कर रहे होते हैं। तो वहाँ से जब गुजर रहे थे, जब पहला चौराहा आया, तो वहाँ के लोगों ने कहना शुरू किया कि कैसे क्रूर लोग हैं, बेचारे एक घोड़े के ऊपर दो दो लोग सवार हैं। अब पुत्र ने सोचा कि मैं उतर जाता हूँ, मैं साथ साथ में पैदल चलता हूँ, पिताजी थोड़े से बुजुर्ग हैं, अधेड़ हैं, तो उनको मैं घोड़े पर रहने देता हूँ। बेटा उतर गया, अब पिता घोड़े पर सवार होके जा रहा है। अगले चौराहे पर पहुँचे तो लोग कहने लगे कि कैसा जालिम बाप है, अपने कोमल बदन वाले पुत्र को, अपने जवान पुत्र को तो पैदल चला रहा है और खुद घोड़े पर शान से चल रहा है। अब बाप उतरा, बेटा घोड़े पर सवार हो गया। अगले चौराहे पर पहुँचे तो लोग कह रहे हैं कि कैसा बेटा है, अपने बुजुर्ग बाप को तो पैदल चला रहा है और खुद घोड़े पर बैठा है। अब दोनों उतर गए और घोड़े को रस्सी पकड़ करके चलने लग गए। दोनों पैदल चल रहे, घोड़ा भी पैदल चल रहा है। अगले चौराहे पर पहुँचे तो कहते हैं कैसे मूर्ख लोग हैं, घोड़ा साथ में फिर भी पैदल चल रहे हैं। अब किसी भी अवस्था में बात नहीं बनी, उन्होंने क्या किया, घोड़े के चारों पैर बांध दिए, आगे के दो पैर आपस में और पीछे के दो पैर आपस में, और उसके बाद बीच में से एक लंबा सा खंभा डाल करके दोनों ने उस घोड़े को लटका करके पकड़ करके चलना शुरू किया, क्योंकि रास्ता कुछ बचा नहीं था। अब थोड़ा आगे पहुँचे तो वहाँ भी लोगों ने कहना शुरू किया कि कैसे लोग हैं, घोड़े की सवारी करनी चाहिए, ये घोड़े को सवारी करा रहे हैं। अब कोई बस नहीं चला, उन्होंने उस घोड़े को फेंक दिया, वहीं पे छोड़े और फिर वहाँ घोड़े को छोड़ करके चलने लग गए। तो दुनिया किसी भी अवस्था में कहना छोड़ती नहीं है। लीलबाई जी को भी इसी तरह से उन्होंने ताना मारना शुरू किया कि तुम कैसी स्त्री हो, तुम्हारे रहते हुए तुम्हारे पति भोजन बना रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं। अब लोगों का सुन करके, लीलबाई जी के अंदर अभी भाव नहीं है, लेकिन लोगों का सुन करके, क्योंकि भाव होता तो लोगों का सुनने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, देवचंद्र जी के पास आकर के कहती हैं कि आप जो ये घर का सारा काम करते हैं वो कार्य आप मुझे दे दीजिए, लोग मुझे ताना मारते हैं। देवचंद्र जी तो समझ ही गए थे पहले ही, और जब ये सुना कि लोग ताना मारते और ताना सुन करके सेवा अथवा कार्य करना चाहती हैं, तो इससे तो मेरी सेवा भावना ही भंग हो जाएगी, इसीलिए उन्होंने कहा श्री देवचंद्र जी ने कि तब श्री देवचंद्र जी ये कहया, नहीं ए तेरो काम, कब हूँ तेरो चित्त दुखेगो, जल भरते इस ठाम। देवचंद्र जी ने कहा कि मेरा नियम है कि जब मैं जल भर कर के ले आ रहा होता हूँ कुएं पर से या नदी पर से, कहीं से भी जल स्रोत से, तो किसी की परछाई भी पड़ती है, क्योंकि उस समय में छुआछूत और कर्मकांड का बहुत अधिक बोलबाला था। अब जिसकी परछाई पड़ रही है, किस जाति का है पता नहीं, तो उन्होंने कहा कि अगर किसी की परछाई भी पड़ती है, मैं उस पानी को फेंक करके फिर दूसरा पानी लेकर के आता हूँ, और अगर ऐसा करते हुए, अगर मैंने ये काम तुम्हें सौंप दिया और ऐसा करते हुए बार बार करना पड़े और तुम दुखी मन से वो कार्य करो, तो फिर मेरी सेवा भावना भंग हो जाएगी, मेरी सेवा भावना नष्ट हो जाएगी। अगर तुम वास्तव में मुझे खुश करना चाहते हो और लोगों के ताने से भी बचना चाहती हो तो एक उपाय है कि तुम मेरे माता पिता की सेवा किया करो, मैं मेरे प्रभु की और खुद की सेवा में कर लूँगा, तुम मेरे माता पिता की सेवा करो, मेरे लिए उतना पर्याप्त है। अब ये सेवा तो उन्होंने दी नहीं, लीलबाई जी को निराशा हुई, लेकिन अब देवचंद्र जी की दृढ़ता के आगे वो कुछ नहीं कर सकती थी। अब इस तरह से देवचंद्र जी का जो नित्य नियम था वो भी पुनः पटरी पर चलने लग गई। और देवचंद्र जी बांके बिहारी जी की केवल परिक्रमा और आरती भोग ही नहीं लगाते, जब वो भोग लगाते हैं तो आंख बंद करके ध्यान भी करते हैं, क्योंकि पहले भी अनेक साधुओं की वो संगति कर चुके हैं,
राजयोगी राजगुरुओं के पास जाकर के उन्होंने योग की दीक्षा भी ली हुई है, ध्यान इत्यादि की। तो भोग लगा करके आँख बंद करके ध्यान में बैठ जाते हैं और उस ध्यान की अवस्था में एक दिन श्री देवचंद्र जी को दर्शन होता है और दर्शन में वो ब्रज में पहुंचते हैं। कहते हैं या भात एक दिन हुआ ध्यान में दर्शन, जाने हम ब्रज में गए द्वार नंद के रोशन। उनको ऐसा दृश्य दिखाई पड़ा कि वो नंद बाबा के घर में पहुंचे हैं और वहां जाकर के उन्होंने देखा कि घर के बाहर यशोदा जी बैठी हुई थी माची के ऊपर। माची का मतलब पुराने ज़माने में रस्सी से बंधी हुई खटिया जैसी होती थी जिस पर वो बैठी हुई थी और वहाँ पर दूध उबाल रही थी। देवचंद्र जी वहाँ पहुँचे और वहाँ जा कर के जैसे ही खड़े हुए यशोदा जी ने उनको बुलाया और जब वो पास में पहुँचे तो उन्होंने यशोदा जी ने देवचंद्र जी को कुछ खाने के लिए मिठाई दे दी। लेकिन देवचंद्र जी ने कहा कि मैं यहाँ मिठाई खाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं कृष्ण जी को ढूंढने के लिए आया हूँ, उनसे मिलने के लिए। यशोदा जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, वो तो गाय चराने गए हैं अपने मित्रों के साथ में, वहीं खेल रहे होंगे, तुम ये मिठाई लेकर के जाओ, ग्वाल बालों में भी बांट देना और तुम दोनों भी मिल करके खा लेना। देवचंद्र जी वहाँ पहुँचे, वहाँ पहुँच करके उन्होंने कृष्ण जी के विषय में पूछा वहाँ के ग्वाल बालों से कि कृष्ण जी कहाँ पर हैं। तो ग्वाल बालों ने कहा कि यहाँ तो हर टोले में कृष्ण है, मतलब जितने भी समूह हैं, जितने ग्रुप हैं, हर टोले में कृष्ण है, आपको कौन से कृष्ण से मिलना है। अब उन्होंने कहा कि नंद बाबा के बेटे कृष्ण से मिलना है। उन्होंने कहा कि हम में से बहुत सारे कृष्ण ऐसे हैं जिनके पिता का नाम नंद है, अब कोई उपाय था नहीं। उन्होंने कहा कि अच्छा मुझे यशोदा के बेटे कृष्ण से मिलना है। अब जैसे ही ऐसा कहा उन्होंने तो कृष्ण जी जिनसे उनको मिलना था वो आए और उन्होंने कहा आओ राधा रानी। कृष्ण जी ने उनको बुलाया और बात करने लगे। बात करते करते देवचंद्र जी ने यशोदा जी ने जो मिठाई भेजी थी वो मिठाई निकाल करके दे दी कृष्ण जी को। कृष्ण जी ने अपने मित्र को बुला करके कहा कि ये मिठाई सब में बांट दो और हमारा जो हिस्सा है हम दोनों का वो हमें दे दो। अब मिठाई का जो हिस्सा था वो उन दोनों को प्राप्त हुआ और बात करते करते वो जो मिठाई थी खाने के लिए जैसे ही हाथ मुंह की तरफ ले गए इतने में देवचंद्र जी का जो मूलतन का मतलब इस संसार का जो तन, वास्तव में मूलतन तो परमधाम में परातम है उसकी बात नहीं कर रहे, जिस तन से वो ध्यान में बैठे हुए इस संसार का, वह जो तन है उस शरीर का भी हाथ हिल गया और जैसे ही हाथ हिला वैसे ही उनका जो ध्यान है वो भंग हो गया। तो और ध्यान भंग होने के बाद उनको जो दर्शन हो रहा था वो दर्शन समाप्त हो गया। इस प्रसंग से हमें एक शिक्षा, एक सिखापन मिलती है हम सभी सुंदर साथ को। सुंदर साथ में बहुत से सुंदर साथ ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें तो आँख बंद करके बैठने की आवश्यकता नहीं होती है, हम तो चलते फिरते ध्यान कर लेते हैं, हम साइकिल चलाते हुए भी राज्य का ध्यान करते हैं, हम गाड़ी चलाते हुए भी राज्य का ध्यान करते हैं, हम खाना बनाते हुए भी राज्य का ध्यान करते हैं, और कई बार तो कुछ माताएं तो हद कर देती हैं, वो कहते हैं हमें तो तवे पर राज्य दिखते हैं रोटी बनाते हुए। तो ये एक भाव है, भावलीनता है। भाव में और ध्यान में दोनों में फर्क होता है। ये भाव रखना कि राज्जी पल पल हमारे साथ हैं अथवा किसी भी तरह की सेवा करते हुए राज्जी को रिझाने का भाव रखना, ये भावलीनता है जो कि ध्यान के रास्ते में सहायक है। लेकिन केवल ये कहना कि हम तो इस तरह से प्रतिपल राज्जी को याद करते हैं हमें बैठने की आवश्यकता नहीं है, ये भ्रम है। साइकिल चलाते हुए आप चलाते चलाते एक सेकंड के लिए, एक पल के लिए तो राज्य को याद कर सकते हैं, लेकिन आप ये कहें कि हम ध्यान में डूबे रहते हैं आप गड्ढे में चले जाएंगे। क्योंकि मन जो है एक अवस्था में एक ही जगह पर हो सकता है,
गति तीव्र है, अत्यंत तीव्र है, ये सब जानते हैं, लेकिन एक अवस्था में वह मन या तो राज्य की तरफ होगा या तो साइकिल की हैंडल और पैडल की तरफ होगा। दोनों तरफ मन एक साथ नहीं हो सकता। गाड़ी चलाते हुए, ड्राइविंग करते हुए जब आपको रास्ता बिल्कुल क्लियर मिलता है, साफ मिलता है, और आप गाड़ी में स्पीकर में राज्य की चर्चा सुन रहे हैं, वाणी गायन सुन रहे हैं, तो एक पल के लिए, दो सेकंड के, पाँच सेकंड के लिए तो आप राज्य को याद कर सकते हैं। लेकिन आप ये कहें कि हम तो गाड़ी चलाते चलाते ध्यान कर लेते हैं, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। फिर ऐसी अवस्था में आप राज्य को दोष नहीं दे सकते। इसके लिए तो आपको अलग से समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि भावलीनता और ध्यान में फर्क है। हम देवचंद्र जी से बड़े तो नहीं हुए। देवचंद्र जी जिनका ध्यान थोड़ा सा हाथ हिलने मात्र से टूट जाता है, और हम साइकिल चलाते हुए, गाड़ी चलाते हुए, बेलन चलाते हुए अगर ध्यान लगा रहे हैं, हमारा ध्यान लग रहा है, इसका मतलब यह है कि हम तो देवचंद्र जी से भी बड़े साधक हो गए। तो ये केवल समाज को भ्रमित कर देने वाली बात है, इसमें किसी भी तरह की सत्यता नहीं है। अब इस तरह से देवचंद्र जी का ध्यान भंग हुआ, ध्यान टूटा, और ध्यान टूटने के बाद अब क्योंकि कोई व्यक्ति प्रतिदिन ध्यान करे और प्रतिदिन लगे ये आवश्यक नहीं है। हाँ, प्रतिदिन कर रहा है वो आवश्यक है। अब आगे कहते हैं, कोई एक दिन इन भात सो हुआ है गुजरान, जैसी दिनचर्या के विषय में अब तक हमने सुना, वैसा करते हुए कुछ दिन गुजर गए, कुछ समय बीत गया। अब उसके बाद ऐसी दिनचर्या में चलते चलते, क्योंकि देवचंद्र जी को एक ही अवस्था में तो नहीं रखना है, पहली बार दर्शन हुआ उस समय की अवस्था से दूसरी बार की दर्शन की अवस्था भिन्न है। आगे उनको आध्यात्मिक अपने मूल लक्ष्य तक भी पहुंचना है, अपने अंतिम लक्ष्य तक भी पहुंचना है, तो इसके लिए उस जो दिनचर्या चल रही है दैनिक, उससे कुछ हट करके करना पड़ेगा, उससे कुछ अतिरिक्त करना पड़ेगा। इसीलिए अब अतिरिक्त करने के लिए वो और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हरिदास जी ने श्री देवचंद्र जी को कहा कि आप नौतनपुरी चले जाइए, क्योंकि नौतनपुरी में कान्हजी भट्ट रहा करते थे, जो भागवत की कथा करते थे, और हरिदास जी के भी वो गुरु थे। तो देवचंद्र जी नौतनपुरी पहुँचे, अब उनके साथ साथ में पूरा परिवार पहुँचा, स्वाभाविक था। अब वहाँ पर राधा वल्लभी अथवा वल्लभाचार्य के मत का जोर था। हरिदास जी तो वहाँ पर अकेले थे भोजनगर में, लेकिन नौतनपुरी में अधिकांश लोग राधा वल्लभी मार्ग के थे। अब वहाँ पर देवचंद्र जी रहने लग गए, और एक श्याम जी का मंदिर था, श्याम जी अर्थात कृष्ण जी का मंदिर था, और कृष्ण जी के मंदिर में कान्हजी भट्ट भागवत की कथा किया करते थे, और उनकी भागवत कथा उस पूरे जगह में, पूरे स्थान में प्रसिद्ध थी। तो देवचंद्र जी ने एक नियम बना लिया भागवत सुनने का, कि प्रतिदिन भागवत सुननी है, और जिस दिन भागवत में सुनूंगा, भागवत के श्रवण को उन्होंने आत्मिक आहार माना, और कहा कि जिस दिन मैं अपनी आत्मा को आहार दूंगा कथा रूपी, उस दिन मैं अपने शरीर को भी आहार दूंगा, और जिस दिन आत्मा को खुराक नहीं मिलेगी उस दिन मैं शरीर को भी खुराक नहीं दूंगा। तो ये नियम धारण करके, ये प्रण लेकर के उन्होंने भागवत सुनना शुरू किया। कुछ दिन बीते, अब होता क्या था कि प्रतिदिन तो एक ही समय पर पहुंचना कभी कभी संभव नहीं हो पाता है। देवचंद्र जी कभी अगर किसी कारण से विलंब हो जाते थे, कुछ पल की देरी हो जाती थी और एकाध श्लोक निकल जाते थे, तो अमूमन होता क्या है कि चाहे कक्षा में पढ़ने वाला विद्यार्थी हो, चाहे चर्चा इत्यादि सुनने वाला व्यक्ति हो, दो चार मिनट लेट होकर के, दो चार मिनट की विलंब से अगर उसका कोई प्रसंग छूट जाता है, तो कोई विरला होता है जो बाद में जाकर के अपने अध्यापक से अथवा उस वक्ता से पूछे कि आपने इससे पहले क्या कहा था। आज तो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था है, बिना पूछे भी हम बार बार उसको एक बार के 10 बार सुन सकते हैं, लेकिन पहले तो ऐसी व्यवस्था थी नहीं। तो देवचंद्र जी
उस कथा के समाप्त होने के बाद जब सब लोग चले जाते थे तो कान्जी भट्ट के घर में पहुंचते थे और घर में पहुंच करके पूछते थे कि गुरुदेव आपने आज मेरे आने से पहले कौन कौन से श्लोक का क्या क्या अर्थ किया। अब इस चक्कर में उनको भागवत फिर से मंगानी पड़ती थी और खोल करके फिर उसका अर्थ बताना पड़ता था। तो कान्जी भट्ट ने सोचा कि इससे अच्छा है कि रोज़ रोज़ के झंझट से अच्छा ये है कि एक दो मिनट की देरी होती है, कुछ पल की देरी होती है, इससे अच्छा तो मैं इनकी प्रतीक्षा ही कर लूँ। अब लोगों ने इस बात को ध्यान करना शुरू किया, ध्यान रखना शुरू किया कि गुरुदेव तो तब तक चर्चा स्वीकार शुरू ही नहीं करते जब तक देवचंद्र जी आते नहीं हैं। हम इतने पुराने वर्षों से यहाँ पर चर्चा सुनने के लिए आ रहे हैं, हम हमारे दिए गए दान से, हमारे द्वारा दिए गए खर्चे से इनका गुजारा चलता है, इनकी रोजी रोटी चलती है, मंदिर की जो सेवा है वो भी हम ही करते हैं, तो इनमें ऐसी क्या बात है, ये गुरु जी को अलग से विशेष ऐसा क्या देते हैं कि ये इनकी प्रतीक्षा करते हैं, हम कभी विलम्ब से आए तो हमारी तो प्रतीक्षा कभी की नहीं। तो उन्होंने जा करके उन चौधरियों ने, चौधरी मतलब उस समय के जो सेठ साहूकार इत्यादि थे, उन्होंने पूछा कान्जी भट्ट से कि गुरुदेव आप हमारी तो कभी प्रतीक्षा करते नहीं थे, लेकिन देवचंद्र आपको ऐसा क्या विशेष देते हैं कि आप उनकी प्रतीक्षा करते हैं। तो कान्जी भट्ट ने उत्तर दिया कि ये तो गरीब हैं बेचारे, मैं इनसे क्या लूँगा, पहली बात। दूसरी बात, मैं भागवत की कथा किसी से कुछ पाने की आशा से नहीं करता, मैं तो अपने भगवान को रिझाने के लिए करता हूँ। और तीसरी महत्वपूर्ण बात ये कि अगर मैं किसी दिन एक दो श्लोक पहले बोल देता हूँ तो तुम में से ऐसा कोई नहीं है जो बाद में आकर के पूछे, लेकिन देवचंद्र जी तो प्रतिदिन आकर के, जब भी विलम्ब से आते हैं तो हर बार आकर के मुझसे पूछते हैं कि कौन कौन से श्लोकों का अर्थ मैं सुन नहीं पाया, उनका अर्थ बता दीजिए। इसलिए उनके आने के बाद ही मैं श्लोक का उच्चारण करता हूँ। अब ऐसा सुन करके सब लोग मौन हो गए, उनके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं थे। लेकिन होता क्या है कि जिससे किसी को ईर्ष्या हो जाती है तो ईर्ष्या हो जाने के पश्चात वो उस व्यक्ति की में कमी अथवा छिद्र ढूंढने लग जाता है, और जब कोई व्यक्ति किसी के अंदर की छिद्र ही ढूंढना खोजना शुरू करता है तो छिद्र मिलना स्वाभाविक है, क्योंकि पूर्ण तो केवल एक परमात्मा है। किसी ने कहा कि ईर्ष्या से ग्रसित व्यक्ति के मन में एक ऐसी इच्छा उत्पन्न होती है और वो एक ऐसे रास्ते को, ऐसे व्यवहार को अपनाता है जिसको कहा जाता है निंदा, क्योंकि निंदा और ईर्ष्या सगी बहनें बताई जाती है, सगे भाई भी कह ले क्योंकि बहनों को ऑब्जेक्शन हो सकता है। तो निंदा और ईर्ष्या सगे हैं, इसलिए क्योंकि जिसके हृदय में ईर्ष्या होगी वही निंदा करेगा, बिना ईर्ष्या के कोई निंदा नहीं करता। और निंदा कोई व्यक्ति किसी की क्यों करता है, तो वो इसलिए करता है क्योंकि किसी की, उस व्यक्ति की निंदा करने से जिससे ईर्ष्या है, जिसके सामने निंदा की जा रही है उसके हृदय में जो स्थान है उस व्यक्ति के लिए, वो स्थान तो समाप्त हो जाएगा। अर्थात अगर कोई व्यक्ति किसी की निंदा करता है वो इसलिए करता है ताकि उस व्यक्ति को किसी दूसरे की नज़र में गिराऊं अथवा उसके दिल से उतार दूं। तो निंदा करने वाला व्यक्ति अथवा ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति ये सोचता है कि उसके हृदय में जो जगह बनती है उस व्यक्ति के निकल जाने से, उस हृदय में जो जगह बनती है उस जगह पे मैं बैठ जाऊंगा अथवा वो मुझे बैठा लेगा। तो ऐसा सोच करके वह व्यक्ति ईर्ष्या से ग्रसित होकर के निंदा करने के लिए छिद्र ढूंढने लग जाता है। तो ऐसी ही घटना हुई श्री देवचंद्र जी के साथ। अब जो छिद्र ढूंढ रहे थे तो एक दिन उनको मिल गया। क्या छिद्र मिला कि देवचंद्र जी ने जो नियम रखा था, शरीर को आहार तब देंगे जब आत्मा को आहार देंगे, तो होता क्या था कि एकादशी के दिन
सब लोग उपवास रखते थे, जितने भी पौराणिक हैं तो वो उपवास रखा करते हैं और द्वादशी के दिन पहले किए गए उपवास के बदले में भंडारा कर लेते हैं। अब जिस दिन उपवास होता था एकादशी के दिन, उस दिन भागवत की कथा और अधिक होती थी, तथा जिस दिन भंडारा होता था उस दिन भागवत की कथा ही नहीं होती थी। देवचंद्र जी का तो नियम था, तो उन्होंने उपवास वाले दिन भरपेट खाना शुरू किया और जिस दिन भंडारा करते थे सब लोग, उस दिन उन्होंने उपवास रखना शुरू किया। जब इस बात का पता चला उन सेठ साहूकार चौधरियों को, तो वो अपने गुरुजी के पास गए, कांजी भट्ट के पास, और जाकर के उनकी चुगली की, उनकी निंदा की। और निंदा भी कैसे करते हैं कि भागवत जो है, भागवत एक वृक्ष है, उसमें जो स्कंद है, भागवत में 12 स्कंद है, तो वो जो स्कंद है उसकी डालियां हैं, उसमें जो अध्याय हैं वो पत्ते हैं, और पत्तों में जो रेशे होते हैं ना, तो जो श्लोक हैं वो उसके रेशे हैं। और आप तो कहते हैं गुरुदेव कि देवचंद्र जी तो भागवत के पत्ते पत्ते से और रेशे रेशे से वाकिफ हैं, तो आपने अपने शिष्य को, आपने अपने प्रिय शिष्य को ऐसा कौन सा अलग सा ज्ञान दिया है, अलग से चर्चा सुनाई कि वो सबसे अलग चलते हैं। अब कांजी भट्ट सोचते हैं कि ऐसा तो देवचंद्र को करना नहीं चाहिए, और अगर कुछ अलग से करते भी हैं तो इसका कोई ना कोई कारण होगा, तो मैं उनसे ही पूछ लूँगा। और इतने में देवचंद्र जी संयोग बस वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचने के बाद अब सब लोग ये सोच रहे हैं कि गुरुजी की प्रतिक्रिया क्या होगी और उस प्रतिक्रिया पर देवचंद्र जी कैसा जवाब देंगे अथवा क्या कहेंगे। तो कांजी भट्ट ने पूछा कि क्या आप ऐसा करते हैं जैसा हमने सुना, एकादशी को भोजन और द्वादशी को उपवास। देवचंद्र जी ने कहा, जी गुरुजी आपने सत्य सुना है। फिर कांजी भट्ट ने पूछा कि अच्छा आप ऐसा क्यों करते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा नियम है कि जिस दिन मैं भागवत की कथा सुनता हूँ उस दिन भोजन करता हूँ, अन्यथा नहीं करता। और एकादशी को कथा अधिक होती है इसलिए मैं भरपेट भोजन करता हूँ, द्वादशी को मैं कथा सुन नहीं पाता इसलिए भोजन भी नहीं करता। अब होता क्या है कि एक तरफ तो भागवत को परब्रह्म की लीला का रस कहते हैं परब्रह्म, श्री परब्रह्म लीला रस का ये जो ग्रंथ भागवत, तिनको सुन के स्वर्ग का साधन तुम करत। वैसे तो परब्रह्म की लीला का रस है, तो इसको सुन करके हमें स्वर्ग की साधना अथवा स्वर्ग की इच्छा हमें नहीं करनी चाहिए। और इस एकादशी के व्रत के पीछे भी कहानी क्या है, मान्यता ये है कि 125 करोड़ एकादशी की उपासना करने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब एकादशी एक मनुष्य के जीवन में कितनी बार आ सकता है, पैदा होते ही तो वो उपवास रखना शुरू नहीं करता, अगर वो भी मान लेते हैं तब भी एक महीने में 2 बार एकादशी आते हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष का, साल भर में 24 हो गए। 100 वर्ष तक भी अगर कोई उपवास रखे तब भी 2400 होते हैं, 24,000 भी नहीं 2400। तो पूरा जीवन उपवास रखने के बाद भी उतने उपवास नहीं हो पाते कि वो स्वर्ग पहुंच सके। और किसी तरह से स्वर्ग पहुंच भी गया तो भागवत का ही कथन है कि पहली बात तो ये है कि पुण्य क्षय होने के बाद वापस इस संसार में आना पड़ता है, और दूसरी बात अगर पुण्य बहुत लंबा भी हो, इस संसार में आना भी ना पड़े, तो भी महाप्रलय में तो स्वर्ग का नाश हो जाता है, वो तो भागवत का ही कथन है। तो जब देवचंद्र जी ने ये जवाब दिया कि परब्रह्म की लीला का रस सुन करके भी आप स्वर्ग की साधना करते हैं लेकिन मुझे ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, अब तब कांजी भट्ट ने उन चौधरियों की तरफ देख करके कहा कि आपके पास इनका कोई उत्तर है तो आप दे दो। अब जिनका उत्तर गुरु जी के पास ही नहीं है, कांजी भट्ट के पास ही, उसका उत्तर उनके पास कैसे हो सकता था, उन सेठों के पास।
तो इसलिए सब लोग मन महसूस करके रह गए और वहाँ से चले गए। अब इसके बाद अब कोई बोलने वाला था नहीं, क्योंकि सबको पता है कि हम इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि ज्ञान में तो देवचंद्र जी ज्ञान में भी आगे थे, रहनी में व्यवहार में भी आगे थे, तो कहने को कुछ बचा नहीं। अब इसके बाद निर्विवाद रूप से निर्विघ्न रूप से भागवत सुनते रहते हैं, और भागवत सुनते सुनते 14 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, और 14 वर्ष व्यतीत होने के बाद में उनको श्री राज्य का दर्शन होता है। अब दर्शन कैसे होता है, उस दर्शन की भूमिका बांध रहे हैं। श्री लालदास जी कहते हैं कि अब कहूँ श्री देवचंद्र जी की, जो बात मूल बुजरक जो मेहर संयन पर करी सुभानुल हक। श्री राज जी ने हम सब ब्रह्म सृष्टियों पर मेहर करते हुए श्री देवचंद्र जी अथवा श्यामा जी को जो दर्शन दिया, उसके विषय में बताने जा रहा हूँ। 14 वर्ष निष्ठावंद सुनियो श्री भागवत, जब आवेश लीला भई सब नजरों आया तब। 14 वर्ष की भागवत सुनने के बाद देवचंद्र जी के तन से आवेश लीला शुरू हुई, लेकिन उसकी भूमिका कैसे, एक व्यक्ति एक बालक पूरे साल भर अध्ययन करता है, शैक्षणिक संस्थान में जाकर के, स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट में जाकर के, यूनिवर्सिटी में जाकर के वो अध्ययन करता है, पढ़ाई करता है, लेकिन परिणाम उसको कब मिलता है, परिश्रम किया उसने पूरे साल पढ़ने का, और पूरे साल पढ़ने का जो परिणाम मिलता है जिसको हम रिजल्ट कहते हैं, मार्कशीट के रूप में आता है, तो वो परिणाम कब मिलता है, उस परिणाम के लिए एक परीक्षा देनी पड़ती है। परीक्षा की कसौटी पर खरा सिद्ध होने के बाद ही उसको वह परिणाम प्राप्त होता है। इसी तरह से देवचंद्र जी ने भी 14 वर्ष तक परिश्रम किया है, अब परिणाम प्राप्त करने का अवसर है, समय है, तो उसके लिए एक परीक्षा से गुजरनी है, और परीक्षा ऐसी कि ये देखना है, मान लीजिए जिसका जो विषय होता है उसी हिसाब से तो परीक्षा होगी ना। अगर कोई विद्यार्थी संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ता है तो परीक्षा होगी थियरी और प्रैक्टिकल के रूप में, अगर कोई ड्राइंग में आगे बढ़ रहा है तो उसकी परीक्षा वैसी होगी। देवचंद्र जी ने जो भागवत की कथा सुननी शुरू की थी तो उसमें सिर्फ कथा सुनकर के ज्ञान लेना वह परिश्रम नहीं था, देवचंद्र जी ने परिश्रम किसी और क्षेत्र में किया था। वो कैसे कि देवचंद्र जी ने सबसे पहले ये नियम बनाया था कि मैं भागवत सुनने अवश्य जाऊंगा, मेरी आत्मा को आहार देने अवश्य जाऊंगा, और अब उनकी परीक्षा भी वैसी ही होनी थी, क्योंकि परीक्षा जो दे रहा है वो भी महान, परीक्षा लेने वाला उसकी तो बात ही ना करें। तो परिणाम जितना बड़ा होगा परीक्षा भी उतनी ही कठोर ली जाएगी। तो उनको आगे जो परिणाम मिलना है वो तो सबसे बड़ा परिणाम है, परीक्षा भी उनको वैसी ही देनी थी। जैसे एक कहावत कही जाती है ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बहुत कुछ पाने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, बहुत कुछ खोना पड़ेगा, और अगर सब कुछ पाना है हमें तो एक बार के लिए सब कुछ खोना पड़ेगा। इसको हम आगे इस प्रसंग के हिसाब से समझते हैं कि उन्होंने सब कुछ कैसे खोया। अब उनकी परीक्षा कैसे हुई, कहते यहाँ ज्वर आने लगा एक लंघन भई दोए, श्रवण भंग ना करें कान बांध के सुनने जाएं सोए। उनको बुखार आया, अब बुखार में क्या है, सर्दी लगती है, ठंड लगती है, तो कुछ दिन बीते लेकिन सुनना उन्होंने बंद नहीं किया, कान ढक करके बांध करके जाते हैं, भागवत की कथा सुनते हैं, वापस आते हैं। अब 3 दिन 4 दिन 5 दिन हुआ, बुखार कम नहीं हो रहा है, और बुखार एक ऐसा रोग है, वैसे तो शरीर में बहुत सारी बहुत प्रकार की बीमारियां रोग होते हैं, लेकिन बुखार एक ऐसा रोग है आपको अगर 2-3 घंटे के लिए भी आ जाता है तो उसके बाद शरीर में कमजोरी लगती है, 2-3 घंटे के बाद है। अब सोचिए जिनको 5-6 दिन तक तीव्र बुखार हो तो शरीर में कमजोरी होनी स्वाभाविक है। अब
पाँच छः दिन हो गए, बुखार भी नहीं छूट रहा है, भागवत भी नहीं छूट रही है। तो ऐसा करते करते 10-12 दिन हो गए, बुखार समाप्त होने का नाम ही नहीं। तो मतु मेहता जी ने एक वैद्य को बुलाया, वैद्य ने आकर के नाड़ी परीक्षण किया और कहा कि ये तो उस तरह का बुखार है जिसमें हवा से संयोग होने पर मृत्यु तक हो सकती है। इस बुखार को आप हल्के में ना लें, मैं आपको एक दवा दे देता हूँ, उसको बना करके काढ़ा बना करके पिलाना होगा, लेकिन साथ में ये हिदायत दी उन्होंने कि अगर उस दवा के पीने के बाद ये हवा में बाहर निकले तो इनकी मृत्यु भी हो सकती है। अब मतु मेहता जी ने कहा कि नहीं, ये तो फिर मानने वाले हैं नहीं। कुंवर भाई भी कहते हैं कि ये तो अभी भागवत का समय हो जाएगा, भट्ट जी का बुलावा आएगा, ये तो यहाँ से चले जाएंगे। तो उस वैद्य ने सोचा कि इससे अच्छा तो मैं दवाई ले लेता हूँ वापस। क्योंकि होता क्या है, अमूमन जितने भी वैद्य होते हैं, चिकित्सक डॉक्टर होते हैं, वैसे तो हर व्यक्ति को अपनी छवि प्यारी होती है, लेकिन चिकित्सक का पेशा एक ऐसा पेशा, ऐसा कार्य है कि एक बार अगर उस चिकित्सक के द्वारा गलती हो गई और मान लीजिए कि उससे कोई व्यक्ति मर जाता है तो पूरे जीवन उसके पास कोई नहीं जाएगा। अब दूसरा काम वो कब सीखेगा, कहाँ से सीखेगा। इसीलिए उस वैद्य ने वो दवा वापस ले ली और कहा कि नहीं, फिर तो मैं नहीं दे सकता। लेकिन मतु मेहता जी ने कहा कि आप ये दवा दे दीजिए, हम इनको जाने नहीं देंगे किसी भी तरह से। तो वैद्य वहाँ से विदा लेकर के चले गए, दवा बनाई गई, दवा देवचंद्र जी को दी गई। अब जैसे ही भागवत का समय हुआ, देवचंद्र जी उठ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जबरदस्ती दीवार का सहारा लेकर के खड़े हो रहे हैं। मना किया, घर वालों ने मानते नहीं हैं, तो मतु मेहता जी ने क्या किया, बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया और बाहर खड़े हो गए। अब देवचंद्र जी कहते हैं कि रे मूर्खों, में मरने का नहीं, कठोर शब्दों का प्रयोग किया, क्योंकि धर्म ग्रंथों का कथन है कि अगर एक व्यक्ति का त्याग करके परिवार का भला होता है तो उस व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। कहने का तात्पर्य, इसको अगर स्पष्ट रूप से कहें तो किसी परिवार में एक व्यक्ति बुरा है, खराब है और सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है और पूरे परिवार की छवि खराब हो रहा है तो उसका त्याग कर देना चाहिए। अगर एक परिवार का अथवा एक घर को छोड़ने से, घर का त्याग करने से एक गांव का अथवा समाज का भला होता है तो उस घर का त्याग कर देना चाहिए। एक गांव को छोड़ने से अगर देश का भला होता है तो उस गांव को छोड़ देना चाहिए। एक देश से बाहर निकल करके अगर हमें देश निकाला मिल रहा है लेकिन पूरे विश्व की इसमें भलाई है तो विश्व की भलाई के लिए देश छोड़ देना चाहिए। इससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन अंतिम अवस्था में, सबसे अंतिम चरण में ये बात कही गई कि अगर आत्मिक लाभ के लिए, अपनी आत्मा की भलाई के लिए संपूर्ण संसार का त्याग करना पड़े, इसका मतलब ये कि सारे संसार से विरोध करना पड़े तो भी संसार से विरोध कर लेना चाहिए। आत्मा के लाभ को इतना महत्व दिया गया है। तब देवचंद्र जी जो कि उसको आत्मिक लाभ मानते हैं भागवत की चर्चा को, तो उन्होंने अब अपने घर वालों को ही कह दिया, अपने पिता को कहते हैं, रे मूर्खों, मैं मरने का नहीं, मेरा देखोगे आकर मैं जिंदा ही रहने वाला हूँ, लेकिन अगर तुमने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं शरीर को तो तुम बंद कर पाओगे लेकिन मेरी आत्मा यहाँ से जाएगी कथा सुनने के लिए और फिर मेरे शरीर को तुम संवारते रहना। और ऐसा कहते कहते देवचंद्र जी का शरीर वहीं पे गिर गया, अचेत हो गए। यूं समझ लीजिए कि कुछ पल के लिए उनका शरीर छूट गया, मर गए। जैसे मैंने पहले कहा था, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, आगे उनको सब कुछ प्राप्त होने वाला है, क्योंकि वाणी कहती है ना, तुम आए सब आईया। तो जो तुम आए की स्थिति बनी है उससे पहले एक बार के लिए सब कुछ छूटना है। अब एक चेतना के लिए
जब तक उसको आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं हो जाती अथवा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं होती, तब तक तो एक जीव के लिए शरीर ही सब कुछ है ना। सबसे पहले नंबर पर तो हमारा, हम अपने प्राण को बचाना चाहते हैं, अपनी जान बचाना चाहते हैं, और एक बार के लिए, एक पल के लिए उनकी चेतना ही चली गई। अब जैसे ही शरीर गिरा तो माता रोने लग गई और कहने लगी, घणी खम्मा खम्मा खम्मा, खम्मा मतलब क्षमा करो, राजस्थान की भाषा है ये। तो मतु मेहता जी ने दरवाज़ा खोला, अंदर आए, अंदर आकर के देखा अब देवचंद्र जी तो बेहोश पड़े हैं। तो अब उनको उठाने के लिए क्या किया जा सकता है, कान में आवाज़ लगाई कि देवचंद्र, भट्ट जी का बुलावा आया है, हम तुम्हें जाने से नहीं रोकेंगे, तुमको कोई भी रोकने वाला नहीं है। अब आधी घड़ी के बाद, आधी घड़ी का मतलब लगभग 10-12 मिनट के बाद में उनको होश आया। होश आने के बाद अब मत्तु मेहता जी कहते हैं कि देवचंद्र, भागवत के लिए बुलावा आया है, तुम कहो तो मैं तुम्हें छोड़ दूं। अब देवचंद्र जी ने कहा कि नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं, मैं चल जाऊंगा। अब लाठी पकड़ करके खड़े हो गए और लाठी के सहारे चलने लग गए और पहुँचे श्याम जी के मंदिर में। मंदिर में जाकर के सभा में बैठे, सभा में बैठ करके उन्होंने ध्यानपूर्वक पूरी चर्चा सुनी और चर्चा सुनने के बाद वापस आए और वापस आने के बाद अब उनको शांति मिली। दवा का भी असर है, पहले जो दवा लिया था, और उनकी परीक्षा भी अब पूरी हो चुकी है। तो अब उनका बुखार उतर गया, धीरे धीरे बुखार उतरा और वहाँ से लगभग 10-15 दिन बीतने के बाद, अर्थात 10-15 दिन के पश्चात उसी कांजी भट्ट के की कथा सुनते हुए श्याम जी के मंदिर में उनको तीसरी बार दर्शन हुआ। अब तीसरी बार जब दर्शन दिया तो किस स्वरूप ने दर्शन दिया, महामती श्री लालदास जी कहते हैं, वह किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन, देख श्री देवचंद्र जी ने कहया जैसी गवाही दई मन। किशोर स्वरूप है और जिस स्वरूप ने वृंदावन में लीला की उसने दर्शन दिया है। अब दर्शन देने के बाद उन्होंने पूछा उस स्वरूप ने, क्योंकि देवचंद्र जी तो एकटक देखते जा रहे हैं प्रसन्न चित्त में, तो उन्होंने पूछा कि तुम जो मुझे इस तरह से देख रहे हो, क्या तुम मुझे पहचानते हो? देवचंद्र जी ने कहा कि नहीं, मैं पहचानता तो नहीं, पर हाँ, मेरी अंतरात्मा इतनी गवाही दे रही है कि आप मेरी आत्मा के प्रियतम है, कहया हम एता ही जानत जो धनी हमारे तुम। अब इस प्रसंग में इस एक चौपाई को, वह किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन, इस चौपाई के आधार पर कुछ समाज में भ्रांति है। ये कहा जाता है कि कांजी भट्ट के मंदिर में कृष्ण जी ने श्री देवचंद्र जी को दर्शन दिया था। अब उस भ्रांति का समाधान संपूर्ण वाणी को और वितक के प्रसंग को पढ़ने के और समझने के बाद तार्किक दृष्टि से किया जा सकता है, और वह इस तरह से कि पहली बात, परम धाम में जो विराजमान मूल स्वरूप है उसकी शोभा श्रृंगार, रास की शोभा और रास के स्वरूप का श्रृंगार, तथा ब्रज मंडल का जो स्वरूप है, ब्रज में जिस स्वरूप ने, जिस कृष्ण जी ने लीला की, तीनों का स्वरूप, तीनों की शोभा और तीनों का श्रृंगार अलग अलग है। तो जो भी ये कहते हैं कि देवचंद्र जी को कृष्ण जी ने दर्शन दिया, वो ये बताएं कि कृष्ण जी ने अगर दर्शन दिया तो कौन से स्वरूप ने, अथवा उनकी शोभा, उनका श्रृंगार कैसा था? क्योंकि कृष्ण जी अगर बालमुकुंद जी ने दर्शन दिया होता तो भी कुछ प्रश्न है जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। रास बिहारी ने दर्शन दिया होता, रास वाले कृष्ण जी ने, तो उनकी शोभा कैसी होती? चोटी गुथी हुई और सूथनी पहने हुए, रास का जो श्रृंगार हम अमूमन सुना करते हैं।
लेकिन अगर परमधाम वाले स्वरूप ने दर्शन दिया तो परमधाम वाले स्वरूप के दर्शन में उनका श्रृंगार कैसा होगा? जो श्रृंगार, जो स्वरूप हम रोज पढ़ते हैं, स्वरूप सुंदर संकोल सकोमल। तो जैसा श्रृंगार, जैसे स्वरूप का वर्णन हम परमधाम की लीलाओं में किया करते हैं, वैसे स्वरूप ने अगर दर्शन दिया होता तो वो परमधाम का श्रृंगार है। श्री लालदास जी के इस बीतक में तो उस स्वरूप के श्रृंगार का और शोभा का वर्णन नहीं है, लेकिन वृत्तांत मुक्तावली के अंदर देवचंद्र जी को कैसे स्वरूप का दर्शन हुआ, उस स्वरूप की शोभा श्रृंगार का संपूर्ण वर्णन है, और वह वर्णन परमधाम की शोभा से ही मेल खाता है, अर्थात परमधाम की ही शोभा वाला स्वरूप है। तो वो तो कृष्ण जी नहीं है। अगर कृष्ण जी ने दर्शन दिया होता तो सोचिए, 11 वर्ष की अवस्था से लेकर के तो कृष्ण जी की मूर्ति की परिक्रमा कर रहे थे, तो कृष्ण जी की आकृति से तो वो भलीभांति परिचित थे। हरिदास जी से उन्होंने कृष्ण जी की लीला का वर्णन सुना, कांजी भट्ट से कृष्ण जी की लीला का वर्णन सुना। जो दूसरी बार दर्शन हुआ तो कृष्ण जी का तो उन्हें दर्शन हो चुका है। तो जब कृष्ण जी ने ही दर्शन दिया तो जब पूछ रहे हैं कि तुम क्या मुझे जानती हो या जानते हो, तो वो ये नहीं कहते कि मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरी आत्मा के प्रियतम है। अगर कृष्ण जी ने दर्शन दिया होता, मोर मुकुट वाले बंसी वाले स्वरूप ने देवचंद्र जी सरलता से कह देते कि आप तो कृष्ण हैं, आपकी तो चर्चा में इतने वर्षों से सुन रहा हूँ, 14 साल से भागवत में, देवचंद्र जी सरलता से कह देते। लेकिन कोई और स्वरूप था जो कि परमधाम में विराजमान मूल स्वरूप था, और उसने दर्शन दिया और उसने पूछा कि क्या तुम मुझे जानती हो, और इसके उत्तर में देवचंद्र जी ने वैसा जवाब दिया। अब आगे बातचीत क्या क्या होती है उसको तो हम आगे सुनेंगे, लेकिन उससे पहले इसी चौपाई में, इसी प्रसंग में एक और प्रश्न अथवा भ्रांति हमारे समाज में चली हुई है कि भागवत का हमारे लिए महत्व इसीलिए है क्योंकि भागवत की कथा सुनने से श्री देवचंद्र जी को राज्य का दर्शन हुआ था, इसीलिए हम भागवत सुनते और सुनाते हैं। ये भ्रांति है, और इसी भ्रांति के समर्थन में बीतक की एक चौपाई को आधे अधूरे रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि शास्त्र श्रवण श्री भागवत बुद्ध जागृत को ज्ञान, कि हमारा शास्त्र भागवत है, और वो भी इसलिए क्योंकि उसको सुनने से देवचंद्र जी का दर्शन हुआ था, और जो कि जागृत बुद्धि का ज्ञान है। तो इसका समाधान भी हम तारतम्य ज्ञान और बीतक की दृष्टि से करते हैं। अगर भागवत सुनने से श्री देवचंद्र जी को दर्शन हुआ होता तो मैं एक तरफ से प्रश्न करता जाता हूं, आप इन प्रश्नों को विचार करते जाइएगा अपनी दृष्टि से, कि भागवत सुनने वाले को जब दर्शन हो रहा है 14 वर्ष सुनने पर, तो कांजी भट्ट जो उनसे भी पहले से भागवत करते आ रहे हैं, कांजी भट्ट को क्यों दर्शन नहीं हुआ? हाँ, इस विषय में कोई ये तर्क कर सकता है कि कांजी भट्ट के अंदर परमधाम की आत्मा नहीं थी इसलिए उसको दर्शन नहीं हुआ। तो गांगजी भाई भी साथ में चर्चा सुनते थे, गांगजी भाई तो देवचंद्र जी के साथ में चर्चा सुनते थे, उनके अंदर परमधाम की आत्मा भी थी, तो उनको दर्शन क्यों नहीं हुआ? ये अगला प्रश्न। उसके बाद एक बार दर्शन हो जाने के पश्चात देवचंद्र जी फिर से भागवत सुनने के लिए गए अथवा नहीं, या देवचंद्र जी ने स्वयं अपने जीवन में कितनी बार भागवत की चर्चा की, और अगर भागवत सुनने से ही दर्शन होना होता तो जो हरिदास जी भागवत आधारित बांके बिहारी और बालमुकुंद जी की पूजा भक्ति किया करते थे, उन्हें अपने ही शिष्य से तारतम्य ज्ञान लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी? वो भी भागवत सुनते। मिहिरराज जी ने कितनी बार भागवत की कथा सुनी, और मिहिरराज जी जब सूरत पहुंचते हैं, सूरत में भागवत के दो प्रकांड विद्वान होते हैं, एक है श्याम भट्ट और एक है गोविंद जी व्यास, ये दोनों भागवत के विद्वान थे, उनको भागवत छुड़ा करके तारतम्य ज्ञान देने की क्या आवश्यकता थी? परमधाम की आत्मा थी उनके अंदर, तो ये कह देते कि भागवत सुनते रहो तुम्हारी आत्मा जागृत हो जाएगी, ऐसा क्यों नहीं किया? इसका क्या तात्पर्य है कि देवचंद्र जी को भागवत सुनने से राज्य का दर्शन नहीं हुआ? अगर भागवत सुनने से ही दर्शन होना होता तो जो पहली बार दर्शन हुआ, दूसरी बार दर्शन हुआ, उसके पीछे कौन से ग्रंथ का कारण बताएंगे?
इसका सीधा सा अर्थ ये है कि देवचंद्र जी की ऐसी अवस्था बन चुकी थी, जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए देवचंद्र जी घर छोड़कर के निकले थे, उस प्राप्ति के लिए उन्होंने पूरा परिश्रम किया, और परिश्रम करने के बाद उस परीक्षा से, उस कसौटी से गुजरे, और गुजरने के बाद जब उनमें पूरी परिपक्वता आई, उसके बाद राज जी ने दर्शन दिया, न कि भागवत सुनने से। और जो ये चौपाई बोला करते हैं, शास्त्र श्रवण श्री भागवत बुद्ध जागृत को ज्ञान, तो भागवत को उस चौपाई में जागृत बुद्धि का ज्ञान नहीं कहा है। वहां पर दो चौपाइयां है हरिद्वार के उस प्रसंग में। आगे जब हम हरिद्वार के प्रसंग की चर्चा करेंगे तो वहां इस चीज को और अच्छी तरह से स्पष्ट करेंगे। वहां पर दो अलग अलग प्रश्न है जिसमें श्री जी को पूछा गया था कि तुम्हारा शास्त्र कौन सा है, ये एक प्रश्न था, और दूसरा यह था कि तुम्हारा ज्ञान कौन सा है। तो दोनों अलग अलग प्रश्नों का उत्तर था कि तो हमारा शास्त्र भागवत है और हमारा ज्ञान जागृत बुद्धि का ज्ञान है। क्योंकि अगर भागवत जागृत बुद्धि का ज्ञान होता तो वाणी की ये चौपाई झूठी साबित हो जाएगी कि एते दिन त्रैलोक में होती बुद्ध सुपन। इसलिए न भागवत जागृत बुद्धि का ज्ञान है, न भागवत सुनने से हमें परमधाम का अथवा राज्य का दर्शन होता है। तारतम ज्ञान के आने के बाद भी जिस तारतम वाणी में, और भागवत सुनने के पीछे तर्क क्या देते हैं लोग कि भागवत में राज्य ब्रज और रास के लीला का वर्णन है, इसलिए हम भागवत की कथा सुनते और सुनाते हैं। वाणी में जितना रास लीला का वर्णन है उतना तो भागवत में कहीं पर भी नहीं है, और भागवत में जितना वर्णन है वो भी कैसा है प्रकाशवाणी के आधार पर हम देखें तो प्रकाशवाणी में स्पष्ट रूप से कहा, भागे जोस कहे पंचाध्यायी रास वर्णन हुआ न तीनताई। वो तो जोस के द्वारा भी वर्णन नहीं हुआ, सुखदेव जी ने अपने अनुमान के आधार पर वर्णन किया है, तो कौन से रास की बात की जा रही है? क्या श्रीमुख वाणी में रास ग्रंथ में रास लीला का जितना अच्छा वर्णन हुआ है, जितना सुंदर और जितना पूर्णता से जितना वर्णन हुआ है, वैसा भागवत में है? तो आज के युग में भागवत की वैसे कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, सिर्फ इतनी आवश्यकता है कि जो प्रवाही जिनके पास तारतम ज्ञान नहीं है और भागवत को ही सर्वोपरि मानते हैं, तो उनको समझाने के लिए हम वाणी का आधार लेकर के तारतम ज्ञान की दृष्टि से भागवत के ही प्रसंग को सुना करके, समझा करके, कृष्ण जी के त्रिधा लीला के रहस्य से उनको प्रबोधित कर सकते हैं। अन्यथा श्री जी जब जूनागढ़ पहुंचे थे, हरजी व्यास तो भागवत की ही चर्चा कर रहे थे। हरजी व्यास जो भागवत के ही विद्वान थे, उन्होंने श्री जी के सामने हार मान लिया क्योंकि श्री जी के पास तारतम ज्ञान था। उन्होंने उनको भागवत की चर्चा नहीं सुनाई, उन्होंने हरजी व्यास को भागवत से सिर्फ प्रश्न किया। तो आज के युग में अगर कोई व्यक्ति वाणी के ऊपर भागवत को तरजीह देता, उसको वरीयता देता है, तो उसके पीछे जागृति फैलाने की, आत्म जागृति की, अध्यात्म प्रचार की अथवा वाणी प्रचार की कोई मनसा न हो करके मात्र व्यापार है। सबको पता है कि भागवत के आधार पर कथा करने पर व्यापार अधिक होगा, लोग ज्यादा आएंगे। भागवत में होता क्या है? मैंने कई बार बड़े बड़े भागवतकारों की कथा सुनी, और वो भी क्या करते हैं, एक घंटे की कथा में पांच पांच छह छह मिनट की अलग अलग कहानी जिसका कोई सिर पैर नहीं। अगर ये होता कि भागवत से कोई प्रेरणादायी प्रसंग बता करके उससे सिखापन देते तब भी ठीक था, कोई न किसी प्रेरणा से मतलब है, न किसी आध्यात्मिक रहस्य से मतलब है। कभी किसी की कहानी सुना रहे, कभी किसी की कहानी सुना रहे, एक की कहानी सुनाते हैं, फिर उसकी झांकी दिखाते हैं, फिर झांकी में बीच में भजन होते हैं, भजन में नाचा जाता है, और अधिकतम पहुंच इनकी आध्यात्मिक अंतिम पहुंच इनकी कहां तक होती है कि भागवत कथा करो और भागवत के आधार पर दान की महिमा बताओ, भक्तों से दान इकट्ठी करो और चलो। तो इसलिए दान के नाम पर भागवत के अलग अलग प्रसंगों की, और ऐसी ही कथा ऐसी ही कहानी चुनते हैं जिससे कि सामान्य जो सीधे साधे भोले भाले लोग हैं वो ये माने कि अच्छा भागवत में दान का इतना महत्व बताया गया है तो हमें दान करना चाहिए। दान करें ये सही है, लेकिन पात्र देख करके दान करना चाहिए। किसी ग्रंथ के नाम पर सीधे साधे लोगों को लूटना एक व्यापार मात्र है। तो आज के वर्तमान युग में भी
तारतम्य ज्ञान के अवतरण के पश्चात अगर कोई ये कहता है कि भागवत के बिना जागनी नहीं हो सकती, हमें भागवत की समाज में आवश्यकता पड़ती है, तो ये एक व्यापार है और ये भ्रामक प्रचार है। क्योंकि बीतक में कोई ऐसा प्रसंग नहीं आता इसके बाद, अब तक देवचंद्र जी ने चर्चा सुनी, इसके बाद कोई भी ऐसा प्रसंग नहीं आता जिसमें कि देवचंद्र जी ने और श्री जी ने कहीं पर भागवत की चर्चा की हो। हाँ, कहीं कहीं पर प्रमाण देने के लिए भागवत के श्लोक इत्यादि देते हैं, प्रसंग इत्यादि देते हैं, लेकिन आजकल तो क्या होता है, कथा भागवत की होती है, बीच बीच में कहीं पर कोई विरला ऐसा भागवतकार होता है जो वाणी की चौपाई को बताता है, वो भी अपने भागवत के प्रसंग की पुष्टि में, वाणी की पुष्टि में भागवत को नहीं लगा रहे, वो भागवत की पुष्टि में वाणी को लगा रहे हैं। तो इस तरह का जो व्यापार है, जब तक बंद नहीं होगा तब तक हमारे समाज में जागृति नहीं आ सकती, और जब तक वाणी का प्रचार नहीं होगा, जब तक बीतक के इस प्रसंग को सही ढंग से समाज के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, तब तक ऐसा व्यापार चलता रहेगा और समाज अंधकार में ही रहेगा। तारतम्य ज्ञान जो कि जिसके विषय में हम कहते हैं कि संसार का ज्ञान जहाँ समाप्त होता है, संसार के ज्ञान की सीमा जहाँ पर समाप्त होती है, वहाँ से हमारे ज्ञान की शुरुआत होती है, और ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी उस ग्रंथ को पढ़ना जिस ग्रंथ में 90-95% तक केवल गपोड़े हैं, जिसमें 90-95% तक असत्य बातें, मिथ्या बातें और वेद विरुद्ध बातें, धर्म ग्रंथ विरुद्ध बातें लिखी हुई है, तो ये एक जाल मात्र है। इसलिए सभी सुंदर साथ को ये चाहिए कि सबसे पहले वाणी को वरीयता दें, वाणी को प्रधानता दें। हाँ, वाणी की पुष्टि के लिए अगर कहीं पर आवश्यकता पड़ती है, किसी ऐसे व्यक्ति से आपका सामना होता है, तो आप भागवत से आप प्रमाण दे सकते हैं कि हाँ, आपके भागवत में भी ऐसा लिखा हुआ है। तो ये शिक्षा हमें इस प्रसंग से प्राप्त होती है। अब आगे दर्शन होने के पश्चात राज जी और देवचंद्र जी के बीच में क्या क्या बात हुई, क्योंकि बातें हुई थी काफ़ी लंबी, दर्शन होने के बाद क्या क्या बात हुई, और बात होने के बाद अब राजी ने देवचंद्र जी को जागने का, ब्रह्म सृष्टि को जगाने का उत्तरदायित्व सौंपा, तो किस तरह से देवचंद्र जी के साथ में राजी का ज्ञान लेने वाला, परमधाम का ज्ञान लेने वाला पहला सुंदर साथ किस तरह से जुड़ता है, और पहला सुंदर साथ जुड़ने के बाद एक एक करके लोगों की संख्या कैसे बढ़ती है, और किस तरह से दूसरा तन का मतलब, क्योंकि हमने पहले दिन की चर्चा में ही सुना था कि परब्रह्म दो तनों में बैठ करके लीला करेंगे, पहले तन की चर्चा तो अब हम सुन रहे हैं, दूसरे तन की लीला कैसे शुरू होती है, कैसे दोनों स्वरूपों का मिलाप होता है, उसकी चर्चा सुनेंगे हम कल। अब समय पूरा होता है, चौपाई दो रही। इतना हम जानत हैं जो धनी हमारे तुम, कहिया तुम एताही जानत, अब बतावे हम, अब बतावे हाँ। बोलो श्री प्राणनाथ।